चली गई ना जनरेटर नहीं।
अरे हमारे छोटा छोटा माइक निकाल, छोटा माइक ये लाइट आ जाएगी ना फिर जनरेटर नहीं है नहीं। घर बड़े वाला घर से ले आएंगे बक्सा घर में कल ले आएंगे और कल कल ले आना ठीक कल ले अभी ले अभी कहाँ इतना दूर जाके फिर लाओ ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकतरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय तमादि देवं करुणा निदान कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं प्रवजन्तमनुपेतमपेत सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तकृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम राम राम। हम लोग सबके सब कोई मुंह बंद नहीं करनी चाहिए, सबके सब मुंह खोल कर ठाकुर का नाम लो, बोले जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए, विशेष करके अभी नवरात्रि चल रही है और ये भी पितृपक्ष है और नवरात्रि है और इसी समय में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और ये भागवत कथा को आयोजन करना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए ये संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में अर्थ का बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में जन बल हो लोग हमें मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल श्री मन बल है। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं हो अगर मन की बल हो ना, बोले भैया जो होगा देखा जाएगा, कथा करना शुरू कर दो,
लेकिन जगत में जो सबसे बड़ा बल बताया आत्म बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो आत्म बल के द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन इस संतों का कहना है ये श्रीमद् भागवत कथा को रखवाना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई अर्थ बल से रख सकता है, न तो कोई जन बल से रख सकता है, न तो कोई मन बल से रख सकता है, न तो कोई आत्म बल से रख सकता है। जब तक श्री बांके बिहारी जी की संतों की कृपा की बल नहीं हो कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते और ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो हम लोग आज कितने सौभाग्यवान, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुई है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी भाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता खाली हाथों से नहीं अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को ये कथा सुनाने क्यों जा रहे हो? इनको श्रृंगी ऋषि का अभिशाप मिला ना सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करके। बोले हाँ, बोले एक काम करो, हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो और परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएंगे। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये हमें सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी बोले को कथा को मणिर महान। बोले मूर्खो, तुम्हें पता है ये भागवत है क्या चीज? ये भागवत भागवत नहीं, ये भागवत स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविसह कलौ नष्टादृशामेस पुराण अर्को धुनादित। कदी भागवत जगत में क्यों प्रकाशित हुए? बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में वहां पर उद्धव भी थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं? तब भगवान कृष्ण बोले उद्धव जी कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं लेकिन मैं दूसरे स्वरूप में कलयुग में निवास भी करूंगा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में निवास करोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत रूप में ही जगत में मैं निवास करूंगा। जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा को श्रवण करेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। इसलिए ये भागवत स्वयं ये भगवान कृष्ण ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष से वर्तत हरि। भगवान इसी कलयुग में ये शब्द ब्रह्म रूप में ही ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी स्वयं प्रकटित तो हुए हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए कहते भगवान ये जगत से चले जाने पर बोले भागवत रूपी सूरज जगत में प्रकटित हुए। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार हट जाती हैं, अगर ये भागवत रूपी ग्रंथ हमारी हृदय रूपी कंदरा में अगर प्रकटित होगा तो हृदय में जितने सारे अज्ञान हैं, सारे अज्ञान हमारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये कृष्ण कृष्ण ही ये भागवत रूप में जगत में प्रकटित हुए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित को काच को मणिर महान। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े लेकर के आए, बोले ये कांच के टुकड़े तुम ले लो और तुम्हारे पास में जो मणि मेरे को दे दो, आप दे दोगे? इसलिए उदाहरण देते हैं ये भागवत ये मणि सदृश है और ये जो स्वर्ग का अमृत है कदी ये टूटे फूटे हुए कांच के बराबर है।
कहां भागवत को तुम इस तुच्छ अमृत को साथ में तुम बराबर कर रहे हो। हाँ देखो अच्छे तरह से समझो ये भागवत कथा की कितने महत्व है। आज जो हम बैठ करके ये भागवत कथा सुन रहे हैं ये कैसे देवता लोग भी ये कथा को नहीं सुन पाते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं क्या स्वर्ग का अमृत का कोई महत्व नहीं, जिसको सुखदेव गोस्वामी भगा दिया उनको वहां से, कभी ये स्वर्ग का अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं। हम आगे श्रवण करेंगे भगवान को स्वयं ये अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को उन्होंने कठोर परिश्रम किया और भगवान को भी चार चार अवतार लेना पड़ा था ये अमृत को प्राप्त करने के लिए। आप लोग सुनोगे जब समुद्र मंथन हुई ये समुद्र मंथन से ही अमृत निकली, लेकिन अमृत निकली कैसे? पहले एक काम करो मंदर चल पर्वत को लाकर रई बनाओ। देवता दैत्य मिल कर कोशिश किया लाने के लिए लेकिन ला नहीं पाए, बीच में गिरा तो कितने दैत्य देवता सब पीस गए। भगवान हरि अवतार लेकर के गरुड़ को पीठ पर रख करके पर्वत को बीच में लाए, कहते भगवान का पहला अवतार है। बोले दूसरा अवतार क्या है? जब फिर उन्होंने मंथन करना प्रारंभ की मंदर चल पर्वत धीरे 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 नीचे जा रहा था, फिर ठाकुर जी कुर्मा अवतार लेकर के अपना पीठ के ऊपर में पर्वत को धारण किया, कितना अवतार हो गया? हम लोग गिन रहे कि नहीं? दो अवतार हो गया। फिर जब मंथन हुई भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर के उन्होंने अमृत कलश को निकाले, कितना हो गया? तीन। जब दैत्यों ने छीन लिया भगवान महीन अवतार लेकर के अमृत को लेकर के फिर देवता को दिया, कितना अवतार हो गया? देखो ये चीज को समझो, कहते भगवान को स्वयं ये अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान भी चार चार अवतार लिए। इसलिए महाभारत में आती हैं अमृत स्वर्ग में भी सबको नहीं मिलती हैं। कहते जहां अमृत रहता है पहले एक लोहे की चक्र, उसको बाद में फिर काल चक्र अग्नि चक्र, उसको बाद में एक सर्प बैठा हुआ रहता है, इतने चीज को पार करो तभी जाकर कहीं अमृत में हाथ लगेगा, नहीं तो अमृत में हाथ नहीं लगती है। अब लोग जानते हो कुंभ मेला गए हो? कुंभ मेला में कौन कौन गए? कुंभ मेला में गए हो? कुंभ मेला में जैसे प्रयाग में, नासिक में, उज्जैनी में, अभी वृंदावन में पड़ा था कुंभ मेला, लाख लाख लोग होते हैं ये कुंभ मेला में। बोले क्यों होते हैं? कारण क्या है? बोले कारण है जिस समय गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत लाया था वो अमृत कलश जहां पर रख दिया 12 साल में वहां पर कुंभ मेला होता है, लाख लाख लोग जाते हैं। अगर कहीं प्रयाग इलाहाबाद में जाओगे तो 15 किलोमीटर पहले तो गाड़ी छोड़ देना पड़ता है, चल चल करके जाना पड़ता है, इतने कठिन है। लेकिन ये कुंभ मेला क्यों होती है? केवल वो अमृत कलश को केवल रख लिया था, लेकिन आज श्री सुखदेव गोस्वामी जब देवताओं ने वो अमृत कलश लेकर के आए बोले पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन देवता की सौभाग्य में नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है जो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं देवता से भी बड़े हमें, देवता से भी हम ज्यादा सौभाग्यवान जो कि भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते ये जो भागवत कथा ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरित मानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते अगर ये ब्रह्मा जी को कहीं कथा सुनना हो हैं, क्या करते हैं? ब्रह्मा भी ये ब्रह्मलोक को छोड़ करके इसी मर्त्य जगत में ये भागवत कथा सुनने के लिए ब्रह्मा स्वयं आते हैं। बोले अकेले नहीं आते, वो अपना ब्रह्माणी को साथ में लेकर के आते हैं। कहते ये ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कितनी कथा कैलाश लोक में भी नहीं, ये कैलाश लोक में भी कथा नहीं,
अगर शंकर जी को कहीं कथा सुनना हो, शंकर भी कैलाश छोड़ कर कहाँ आते हैं? इसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं? इसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया जोग माही, एक बार त्रेताया जोग माही, एक बार इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय में त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने के लिए आए। बोले कहाँ पर? बोले कुंभज ऋषि पाई, श्री अगस्त ऋषि के चरण में बैठ करके कथा सुनने के लिए आए। अब रामायण सब सुने होंगे, जब उन्होंने कथा सुन करके जा रहे थे, कथा सुनने का फल किया, बोले ठाकुर का दर्शन मिल जाए। ठीक उसी समय में ही रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया था, और भगवान राम हा सीते करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो? उसी समय में ही शंकर जी देखा प्रभु की लीला में कोई, प्रभु की लीला में कोई व्याघात नहीं हो, उन्होंने सती को दूर से लेकर के परिक्रमा कर रहे थे। ठीक उसी समय सती ने प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको परिक्रमा लगा रहे हो? जो परात पर परम ब्रह्म श्री राम की जो कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना साधारण कोई व्यक्ति है? क्योंकि मेरे को तो पता है वो असली सीता को रावण लिया ही नहीं, वो तो अग्नि को शरण में है, वो तो नकली सीता को उठा करके ले गए, वो असली सीता को नहीं लिया, ये तो मेरे को पता। फिर अभी वो अशोक वाटिका में, अगर मुझे अगर ये बात पता हो, क्या ये परात पर परम ब्रह्म राम को ही बात पता नहीं? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, सती बलि में लिखी बड़ी हूँ, अनपढ़ थोड़ी हूँ, जो बोलेगा आप सुन लोगे। देखो जगत में पांच जो प होता है ना, आप सारा दुनिया को समझा दो लेकिन पांच प को नहीं समझा सकते। जानते हो पांच प क्या है? पहला नंबर पत्नी। देखना पत्नी, पति सारा दुनिया को समझा दे लेकिन अपना पत्नी को कोई बात नहीं समझा सकती। पत्नी बोलेगी इसको ही यही हर्ष में गड़बड़ी करते, इनको ही समझाते समाज में हार जाती है, हर्ष में गलत करते रहते हैं। पहला नंबर पत्नी। दूसरा नंबर पुत्र। आप देखो सारा दुनिया को पढ़ा सकते हो लेकिन अपना पुत्र को नहीं पढ़ा सकते हो। तीसरा पुत्री, अपना बेटी को सारा दुनिया बात सुनेगा लेकिन बेटी बात नहीं सुनेगी। तीसरा परिवार, सारा दुनिया में तुम्हारी सम्मान होगा, देना परिवार में कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं करते। और जो पंचमा पर है ना, ये पड़ोसी, देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो सकते मित्रता लेकिन पड़ोस में लड़ाई तुम्हारी। इसलिए उन्होंने कोशिश की समझाने के लिए लेकिन सती को नहीं समझा पाई। फिर परीक्षा किया, आप लोगों को पता किया उसके बाद में क्या क्या हुई है। इसलिए कहते भैया गुरु जी को वाक्य में कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। इसलिए सती जैसे व्यक्ति को भगवान शंकर जी की बात पर अविश्वास की तो लास्ट में क्या हुआ, शरीर त्याग देना पड़ा लास्ट में। इसलिए कहते भैया गुरुजनों को वाक्यों के ऊपर में, शास्त्र वाक्य में कभी भी अविश्वास नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये शरीर त्याग हमें देना पड़ेगा। माता सती को ही शरीर त्याग देना पड़ा। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये जो भागवत कथा है ना, भागवत कथा भैया ये कैलाश में भी कथा नहीं। अगर शंकर जी को सुनने की इच्छा हो तो कहाँ छोड़ करके आते हैं, वो कैलाश छोड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, कहते ये वैकुंठ में भी रस नहीं, ये भागवत रस नहीं, वैकुंठ में नारायण की कथा हो सकती है,
लेकिन भगवान कृष्ण की कथा वहां पर नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बले गया ओ गरुड़ जहां बस यदि ये गरुड़ जी ये वैकुंठ में रहते हैं, अगर इनको कभी इच्छा हो भैया थोड़ी राम और कृष्ण कथा हमें सुनने को मिले, गरुड़ क्या करते हैं वो वैकुंठ छोड़ करके जहाँ काग भुसुंडी नीलगिरि पर्वतों पर बैठ करके जहाँ प्रभु राम की कथा सुनाते हैं, भुसुंडा भी आकर के वहीं पर कथा सुनते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए ना, वो अकेले नहीं कथा सुनने के लिए आए, देवियों को साथ में आए। जब ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आए, वो अकेले नहीं आए, ब्रह्माणी को लेकर के आते। शंकर जी जब कथा सुनने के लिए आए, वो अकेले नहीं आए, सत्य को लेकर के आए। शिक्षा क्या देते हैं, कथा सुनने के लिए अकेले मत जाओ। अगर पत्नियां स्त्रियां आती ना, अपना पति को मिलाओ। अगर पुरुष लोग आते हैं, अपना लक्ष्मी को भी लेकर के आओ। बोले ऐसे क्यों? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो। जैसे ये 7 दिन तक भागवत कथा होगी ना, आप देखना ये 7 दिन में आपको इतने ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतने परिचित महाराज को मुक्ति क्यों मिली? उन्हें 7 दिन तक जब ये भागवत कथा सुनी, संपूर्ण इनका मन प्राण चित्त प्रभु में ही रम गया। और उन्होंने अच्छा किया बुरा किया ये चीज को उन्होंने समझ सके। जब उन्होंने अपना जीवन में उतारे तभी तो प्रभु को प्राप्ति हुई। ऐसे कैसे प्राप्त हुई? आप स्वयं देखना, 7 दिन के बाद में आप जिस रूप में यहाँ आए ना, आपका ये रूप नहीं रहेगी। संपूर्ण भक्ति में डूब करके यहाँ जाओगे, इतनी ज्ञान की प्राप्त होगी, आपको पता चलेगा जीवन क्या है, संसार में क्यों आए और हमें क्या करनी चाहिए, ये चीज को आपको अच्छे तरह से पता चलेगा। आप प्रभु की भजन में आपका मन प्राणचित लग जाएगी। इसलिए अगर पत्नियां आए कथा सुनने के लिए, जैसे आप लोग देवियां आई हो, अभी आपको पता चलेगा भैया जीवन क्या है, ये 84 लाख जीवन में मिला, ये मानव शरीर नहीं। भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिलता है। और इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन पा करके जीवन को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में डूबनी चाहिए। अगर जैसे माताओं को अगर ये बात पता चले, फिर माताएं क्या करेंगी? क्या करके बोलो, समय होगा तो टीवी नहीं देखोगे, स्मार्टफोन नहीं चलाओगे, समय होगा तो माला लेकर के बैठोगे, गीता रामायण भागवत पढ़ोगे। अगर पति लोग नहीं आएंगे ना, पति लोग क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई, पहले तो बोलते थे चलो घूमने जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, अभी तो समय होती, बोले वृंदावन चलो, सत्संग में चलो, हैं? और जब देखो गीता भागवत लेकर बैठी जाती है। लेकिन अगर पुरुष लोग आए तो, बाबा लोग आए तो, इनको ऊपर में भी रंग चढ़ेगा, ये भी भक्ति रस में आप भी डूबोगे। जब डूबोगे पत्नी क्या बोलेगी? बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठी जाती हो, जब देखते हो माला लेकर बैठी जाते हो, कोई काम धाम नहीं। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे ना, दोनों को ऊपर अगर ये रंग चढ़े तो क्या होगा? गाड़ी 2 पहिया में चलती है ना, फिर तुम्हारी संसार का गाड़ी भी बढ़िया से चलेगी। दोनों मिल करके भगवान की भजन करोगे, दोनों मिल करके भगवान की भजन करोगे। देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, ये सही घटना है। कहते कोई राजा थे, वो सत्संग में बड़ी रुचि लेके,
रोज एक संत कथा सुनाया करते थे, रोज वो कथा में जाते थे। कहते ना, बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। इसलिए बगैर सत्संग से ज्ञान नहीं होता है। उसको ज्ञान मिला तो राजा कभी समय को नष्ट नहीं करता। क्यों? जानता है ये मानव शरीर का जो एक एक जो श्वास है ना, ये अनमोल है। जैसे अंबानी, मानो डॉक्टर ने बोल दिया इसके अंतिम श्वास है। अगर परिवार वाले बोले तुमको चार कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, इसके चार श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। ये मानव शरीर नहीं, कदी ये कोहिनूर हीरे ठाकुर हमें दिए हैं। इसलिए भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, ये मानव शरीर नहीं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। मुक्ति की अभी सत्संग में ज्ञान होता है। राजा समय बर्बाद नहीं करता है, समय हो गीता रामायण पढ़ता है, भगवान की माला जप करता है। लेकिन अभी रानी तो सत्संग में नहीं आती, उसको ज्ञान नहीं हुई, जीवन का क्या कीमत है? दिन भर परेशानी। ये राजा तो बात नहीं करता, जब देखो गीता रामायण लेकर बैठता है, माला लेकर बैठता है। अभी रानी तो बड़ी परेशानी। एक दिन वो रानी ने एक वेश्या को बुलाई, बड़ी सुंदरी वेश्या। बोले देखो एक काम कर सकते हो। बोले क्या है? बोले जब ये सत्संग बैठता है, ये जो बाबा है ना, मेरे पति का बुद्धि भ्रष्ट कर दी, पता नहीं क्या पट्टी बढ़ाए, गीता रामायण भजन करते रहते हैं। एक काम करना, जब ये सत्संग होता है, बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, तुम बीच में जाकर के उनको बोलना, बोले बाबा जी आपका संस्पर्श में मेरा पेट में बच्चा आ गई है, अभी बताओ ये बच्चे को मैं क्या करूं? बास कितनी, और कोई बात नहीं, रत्न से तेरी झोली भर दूंगी। अभी भरी सभा में वहां पर जा करके संत कथा सुना रहे हैं, कितने लोग बैठ कर कथा सुन रहे थे। वो वेश्या ने जाकर के इतनी बात बोल दी, लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे, लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले, चुप हो गए। जब चुप हो गए, वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, इनके मन में शंका आ गई, क्या बात क्या सही है? ये वेश्या का संग बाबा करते हैं, नहीं तो चुप कैसे हो गए? लेकिन राजा को ये पूर्ण विश्वास था, ये संत सही है, जरूर ये दाल में कुछ काला है। राजा जब वापस आए, वो वेश्या को बुलाए, तलवार को सामने रखे, बोले सही सही बताओ, तुमने ये भरी सभा में ये संतों को अपमान क्यों की? तेरा गला में काट दूंगा, बताओ तुमने क्यों बताई? अभी थर थर कांप उठी, बोले महाराज इसमें मेरी कोई दोष नहीं, आपकी पत्नी ने मेरे को ये बहका करके, ये सोना चांदी की लोग दिखा करके ये काम करवाया, महाराज मेरी कोई दोष नहीं। इतने में संत राजा जा करके संत को बोले, बाबा ऐसे ऐसे बात है। इतने में संत ने कहा, राजा इसमें रानी की कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारी है। बोले मेरी क्या दोष है? बोले तू सत्संग में तू अकेले आए, सत्संग में तू अकेले आते हो, अगर पत्नी को लेकर के आता है ना, क्या होता? दोनों को ऊपर रंग चढ़ता, दोनों भी भजन करते, तू अकेले आए हो, तेरे ऊपर ये रंग चढ़ा, अभी तू भजन करते हो, इसलिए पत्नी परेशानी है। अगर उसको भी अगर ये ज्ञान पता चलता तो दोनों भजन करते, इसलिए कल से रानी को भी साथ में लेकर के आओ और दोनों मिलकर के ये सत्संग सुनो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, ये जितने सारे देवता है ना, कोई भी अकेले कथा सुनने नहीं आते हैं, ये दोनों राजा रानी दोनों मिलकर कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, आज हम लोगों का कितने सौभाग्य, ये चीज को समझो, जो कथा सुनने के लिए देवता स्वर्ग लोक को छोड़े, जो कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को त्याग दिए, जो कथा सुनने के लिए शंकर जी कैलाश को छोड़ते हैं, जो कथा सुनने के लिए गरुड़ जी वैकुंठ को त्याग दिए, लेकिन बताओ ये गांव का नाम क्या है? हाँ देखो, ये गांव में देखो, आप लोगों को, हिमाचल के लोगों को, ये गांव के लोगों को, आपको कहीं कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा? आपको घर छोड़ना पड़ा ना, बेटा बेटी छोड़ना पड़ा, कुछ छोड़ना पड़ा? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा।
और हमारे मनोज भैया ने क्या की, अपना घर में ही ये भागवत कथा को रखवाए। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपके घर को सामने आ गई और हम सब के सब घर में बैठ बैठ करके ये भागवत कथा रूपी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। समझो हम लोग जगत में बड़े सौभाग्यवान हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जय श्री राधे। इसलिए कहते ये बात को स्वयं शंकर भी पार्वती को कहते हैं। देखो आज हम कथा की महत्व सुनेंगे, क्योंकि अगर ये कथा की महत्व पता चलेगा ना, फिर हम 7 दिन तक सुनने के लिए आएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे तरह से सुनना, उसको याद भी करना। शंकर जी क्या कहते हैं देखो पार्वती को। बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, आनी सदा शंकर जी कहते पार्वती, ये जो भागवत कथा जो सत्संग है पार्वती, ये जगत में बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में निमिष दंड भर एको बार, अगर ये जीवन में जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनी आग, तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। ये सत्संग की इतने महिमा, माता पार्वती क्या कहती, बोले दुर्लभ कहा है। देखो हमारे मनोज भैया ने कथा को रखे कि नहीं, लगता है घर घर में जाकर नौता दिए कि नहीं, पापलेट छपा होंगे, बैनर लगाए होंगे, भागवत कथा होगी, आप लोग आओ कथा सुनने के लिए। कहते आप कहते दुर्लभ, ये तो सुलभ है। बोले पार्वती, बोले आबते ही सार अति कठिनाई, आबते ही सार अति कठिनाई, अति कठिनाई, आराम कृपा बिनु जाई, राम कृपा। भागवत कथा हो सत्संग हो ना, बोलते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। किसको बोलो ना, भागवत कथा हो रही है आओ। बोले देखो घर में ये काम पड़ गया था, वहां पर जाने का था, ये दिक्कत आ गई, हजार देखना हजार कारण बताएंगे। अब विशेष करके भागवत हो तो मैंने देखा है, जानते हो ये लोग कब आते हैं, परिवार के लोग अंतिम समय में अगर नहीं जाएगा बुरा मानी जाएगा, अंतिम समय में एक दिन के लिए मुंह दिखाने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते बोले पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई है, यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के लिए जगह मिलेगा कि नहीं, आप बताओ। कितने दूर दूर से लोग आएंगे बोलो, कितने दूर दूर से लोग आएंगे बोलो, आप लोग बोलो कितने दूर दूर से, लगता है चंडीगढ़ से ज्यादा लोग आ जाएंगे, है आ जाएंगे कि नहीं। लेकिन देखो बड़ी ये बात को कौन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है ये बात को, स्वयं श्री शंकर जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, पार्वती को कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति श्रोता नहीं। यहाँ पर अभी जो नवरात्रि रख रहे हो ना, जिसे माता माँ के लिए रख रहे हो, उनको ये कथा सुना रहे हैं,
हैं, कौन आ रहे आज आ सकते हैं। बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा कथा में कौन आ सकता है और आए कौन कौन। देखो शंकर जी अच्छी बात कहते हैं, कहते अति हरि कृपा जा पर होई, पाप देही यह संगत सोई। जिसको पर में ठाकुर का डायरेक्ट कृपा हो जाए, जैसा आपका घर में कोई विवाह है, कोई उत्सव हो रहा है, आप बताओ उसमें कौन कौन आएगा। आप जिसको बुलाओगे, अगर अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में भी हो, अगर तुम अगर उसको नौता देते है ना, देखना उतना दूर से वो आएगा। लेकिन आपका घर को पास में किसका घर है, नौता दिया है ठाकुर जी ने, जिसको निमंत्रण दिया है। अभी तो निमंत्रण की तरफ फोन भी करते, हेलो बोल देते ना, भैया हमारे घर में ये उत्सव, तुम आ जाओ। मानो ठाकुर जी आपको साक्षात रूप में आपको नौता दिया है, ठाकुर जी बुलाया तब भी आप यहाँ पर आए हो। इसलिए भगवान कृष्ण जब बंसी बैठक नीचे खड़े होकर के उन्होंने बंसुरी बजाई, वहां पर कितने गोप गोपियां थी, वहां पर ब्रज में कितने गोप गोपियां थी, सब आए,
सब नहीं आई वहां पर। भगवान कृष्ण जिसको बुला रहे थे वही केवल आए। किसको बुला रहे थे? बोले गोपियों को बुलाए, इसलिए गोपियां ही वहां पर आई। और भगवान कहते हैं स्वागतम में महाभागा, भगवान उनको स्वागत करते हैं जगत में। तुम लोग जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवती हो जो कि तुम लोग ये रास में आए हो। उसी तरह ये भागवत कथा में वही आए हैं। कन्हैया तो भागवत कथा भी बंसुरी बजाई, लेकिन ये बंसुरी ध्वनि सबको कान में नहीं गई, वो केवल तुम लोगों को कान में गई है। इसलिए आप लोग ही कथा में आप लोग ही आए हो, इसलिए समझो हम लोगों को ऊपर में श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर आए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। कदा भी प्रश्न होता है, जैसे यहाँ 7 दिन कथा होगी, आप लोग यहाँ पर बैठ करके 2-2, 3-3, 4-4 घंटा यहाँ पर कथा सुनोगे। आप बोलोगे भैया कथा सुनने से क्या होता है, हम कलिजु का जीव है ना, पहले देखेंगे भैया हम कितना प्रॉफिट है, किसमें अपना मन को लगाते हैं, समय देते हैं, जहां से अब ज्यादा लाभ होगा। बगैर लाभ से हम समय नहीं देते हैं, हैं? अभी यहाँ प्रश्न होगा होता है, यहाँ पर ये भागवत कथा साथ साथ दिन सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या? इसलिए ये बात को भागवत में ये राधा रानी स्वयं कहती हैं, जो ये भागवत कथा सुनेगा आपको 8 फायदा होगा। कितना फायदा होगा, जोर से बोलो। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनना, ठीक है? ध्यान लगा कर सुनना, जो कल मेरे को बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, जो मेरे को सुना देगा, ठीक है? अच्छे तरह सुनना। मैं नहीं कह रहा हूँ, जब भगवान रास से अंतर ध्यान हो गए, जब ब्रज गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते मिले ही नहीं, बोले एक काम करो, यमुना किनारा में बैठ कर उनका कीर्तन करते हैं। ठाकुर का कीर्तन बहुत प्यारा है, हैं? ठाकुर जी कीर्तन में ठाकुर जी प्रकट होएगी। तो उन्होंने गोपी गीत को जो गाए वो एक श्लोक में ये भागवत कथा की, बा भागवत कथा की क्या महिमा, ये राधा रानी ये गोपियां ये बात को कह रही। बोले क्या कह रही है? बोले तब कथा मृतम कहते कथा सुनने का जो पहला लाभ है, कहते ये भगवान की कथा नहीं, ये कथा अमृतम, इसलिए ये अमृत है, जो कथा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। अमर कथा क्यों पड़ा? बोले ये शंकर जी पार्वती को ये अमरनाथ में कथा सुनाए थे, इसलिए ये कथा की एक नाम है अमर कथा। बोले क्यों सुनाए? इसकी कथा पुराण में आती है। एक समय नारद जी, नारद बड़े कौतुकी है, भगवान की परम भक्त है, इनके बगैर तो कोई ठाकुर का लीला ही नहीं। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे कैलाश में। उसी समय शंकर जी सत्संग में गए हुए थे, घर में माँ अकेली थी। जब वहां पर पहुंचे, मैया ने बड़े स्वागत करके, उनको गुरु लगती हैं, इसलिए नारद जी को बड़े स्वागत करके बैठाए, बड़े मीठी मीठी बोली बोली। इतने में श्री नारद जी कहते, बोले माता जी तुम ठीक ठाक हो ना? बोले बेटा मैं बहुत ठीक हूँ। बोले कैसे ठीक हूँ? बोले शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। बोले कैसे प्रेम? कहीं से भी अगर सत्संग सुन करके आए, पहले मेरे को सुनाते। इसलिए आप जितने पुराण आप पढ़ोगे ना, देखना शंकर पार्वती का संवाद, सारे शंकर पार्वती का संवाद, भागवत देखो, रामायण देखो, पुराण देखो, शंकर जी बोल रहे हैं और माता पार्वती बिना कारण से झगड़ा मत लगाया करो। हमने सुना आप जहाँ जाते वहाँ झगड़ा लगा देते हो, इसलिए भैया आगे बात को मत बढ़ाया करो, शंकर जी हमें बड़े प्रेम करते हैं। बोले देखो माता जी आपकी सही बात बताता हूँ। बोले क्या है?
आपको पता है शंकर जी की और कहीं एक भाल और किसको प्रेम करने करते हैं? आपको पता है शंकर जी अंदर अंदर में आपके सिवाय और भी किसको प्रेम करता हूँ बात पता है? बोले क्या बोल रहे हो? बोले मैं सही कह रहा हूँ। देखो माता है ना, हर चीज को सहन कर लेती, घर में जितने परेशानी हो, अगर उनको पता चले मेरे पति अंदर में और किसी स्त्री को प्रेम करते हैं, देखना पत्नी कभी भी ये चीज को सहन नहीं कर सकती। हर चीज को सह लेगी, ये चीज को कभी सहन नहीं करती है। बोले क्या बोल रहे हो? बोले सही बोल रहा हूँ। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण ये है, आप देखा शंकर जी गला में एक मुंडे की माला देखी? बोले हाँ। आप बता सकते हो मुंडे की माला किसकी, बता सकते हो? बोले नहीं। तुम बोल रहे हो तो शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, तो ये रहस्य बात क्यों नहीं बताए जिसको हर समय में धारणा करते हैं? आज जब शंकर जी सत्संग से आए ना, एक काम करो, तो मान भवन में लेट जाओ और शंकर जी को तभी पूछो तीन बार कसम खिला कर, नहीं तो शंकर जी बोलने वाले नहीं, तुमको सारी बात पता चल जाएगी। क्योंकि नारद जी को ये भागवत रहस्य प्रकट करना था, इतने में नारद जी तो बिना उठाए इतना बोलकर भड़का दिया मैया को, बस बिना उठा करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय करते करते जा जाए रहते। इतने में शंकर जी आ रहे थे, देखा नारद जी को बड़े जल्दी जल्दी जा रहे। बोले नारद बाबा थोड़ा रुक जाओ, कहाँ इतना जल्दी जा रहे हो? बोला आज मेरे पास में समय नहीं। समझ गए भैया, दाल में कुछ काला नहीं हो। इतने में जब शंकर जी घर में आए, रोज माता पार्वती शंकर जी की चरणा धोती थी, चरणामृत लेती थी, पान आरती उतारा करती थी, पास में बैठा करके उनको भोजन कराया करते थे, हाथ में पंखा झुलाया करती थी। लेकिन आए तो आज घर में कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं। पूछे भैया माता जी कहाँ गई? बोले पता नहीं, नारद जी कुछ बोल बात कर रहे थे, उसको बाद में माता जी मान भवन में चली गई। मान भवन में तो मान कर ली, बोले इसीलिए तो नारद बात नहीं कर रहे थे। गए तो देखा पार्वती मान करके लेटी हुई, शंकर जी जब शरीर पर हाथ रखना पार्वती हाथ उठ फेंक दे। बोले भैया क्या बात, क्यों मान कर रहे हो? बोले मैं तो पहले समझ रही थी आप भोले बाबा, अभी तो पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले मतलब क्या? बोले क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोले आप तो मेरे को अंदर 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 की बात नहीं बताते, ऊपर ऊपर की बात बताते हैं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले बताओ पूछो। बोले पहले तीन बार कसम खाओ फिर मैं पूछूंगी। जब कसम खाई बोले ये बताओ, आपकी गले में एक मुंडे की माला हर समय जो पहनते हो, ये मुंडे की माला है किसकी, आप बताओ? नारद जी शंकर जी ने देखा, देखो नारद बाबा कैसे लड़ाई लगाते हैं, कैसे लड़ाई लगा करके चले गए। मैं जो बोलना नहीं चाह रहा था उसको भी रहस्य उद्घाटन कर दिए। बोले देखो पार्वती, ये तुम्हारी मुंडे की माला, बोले मेरी मेरी सर तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गई? बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं, पूर्व जन्म में तुमने सती थी, लेकिन इस सती होने का नाते तुम्हारे पिताजी मेरे को अपमान की है, इसी वजह से तुमने जाकर के कनखल में शरीर त्याग दी। एक जन्म नहीं कितने जन्म से त्याग देती हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, तेरे मुंडों को मैंने गले में माला रूप में पहन लिया। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं आपको छोटी मोटी कपटी समझ रही थी, अब पता चला आप तो बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले ये बताओ आप ऐसे कौन सा अमर बुटी को पान की जो आप अमरत्व को प्राप्त की और मैं मरती जा रही हूं? बताओ ऐसे कौन सा अमर बटियों को पान किया? देखो शंकर क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बटी को पान किया तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त की। बोले प्रभु मेरे को भी सुना दो, फिर हम दोनों ही अमर रहेंगे। बोले ठीक है पार्वती, चलो तुम्हें हम अमरनाथ में ले चलते हैं, वहीं पर बट वृक्ष को नीचे बैठा करके तुमको कथा सुनाऊंगा। बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा भाव से, तो हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले तुम कथा सुन रहे हो। बोले कोई बात नहीं अब कथा सुनाओ। इतने में शंकर जी भागवत की जयकार दी, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। कोई जय कोई है बोल रहे हो? देखो भागवत की जो जितने जोर से जय देगा ना, ठाकुर को तो जय जयकार है। शास्त्र कहता है जो ठाकुर को जयकार देता है उसको ही अपना जय होता है। हैं? जो जितने जोर से जय दोगे उतना पाप खत्म होगी।
उतना तुम्हारी पुण्य उदय होगा हाँ, भगवान की जयकार देने से। जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। अड़ोसी पड़ोसी तो पता चले कथा हो रही है। अभी शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ किया, जब उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनाई, माता जी का मंत्र लग गया और माता जी उस समय भी हुंकार हुंकार भर रही थी। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की बात सुनाने के लिए गए, बस इतने में माता पार्वती तो वहां सो गई तो भगवत इच्छा से उसी वृक्ष के ऊपर में के तोता भी बैठ करके सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर कथा को बंद कर देंगे, मेरी कथा भी अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरने लग गए। बोले उसको बाद में क्या हुआ, बड़ी प्यारी कथा है, उसको बाद में बताओ। शंकर तो भाव विभर में कथा सुनाते जा रहे। फिर जब उन्होंने कथा विश्राम हो गई, फिर उन्होंने जयकार दिए, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इतने में पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं, मैं तो बीच में सो गई थी। बोले सो कैसे गई, हुंकार भर रही थी। बोले नहीं, मैंने सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये कथा अमर कथा है, जो ये कथा को सुनेगा वो करेगा। आप देखना गीता में कृष्ण जब अर्जुन को गीता की ज्ञान दी, देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले हे अर्जुन, मैंने जो तुमको ये ज्ञान की बात बताई ना अभक्ताय कदाचार, अभक्तों को ये कथा नहीं सुनानी। माता देहूति को जब भगवान कपिल ऋषि ने ज्ञान को मारने के लिए पीछा की, ओ तोता उड़ते जाए, शंकर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे करते करते जब बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही दिव्य ज्ञान दे रही थी, यही कथा सुना रही थी। उसी समय में बिटका ने, जैसे होता है ना, मुंह खोल करके सुन रही थी। इतने में तोता वहां पर सूक्ष्म रूप में धारण करते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने में शंकर जी ने देखा तोता कहाँ गायब हो गया। श्री व्यास देव जी ने पूछे, भोले बाबा आप कहाँ से इतने तेजी से भागते भागते आ रहे हो, शरीर से पसीना पसीना निकल रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया, बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या है, बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले आप पीछे क्यों मारने के लिए क्यों आ रहे हो, लगता है सचमुच से तुम भोले ही हो, हैं? तुम भोले ही हो। शंकर जी ने देखा भैया बात तो सही है, कथा तो अमर कथा, जो सुनेगा तो मरेगा नहीं। फिर तो कथा सुन ली, फिर मैं मारने के लिए पीछा कैसे कर रहा हूँ। फिर शंकर जी ने सोचा, फिर ये तोता है कौन, ये कथा को उसने सुना कैसे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा को कौन सुन सकते हैं। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभ्यम। कभी कथा को साधारण व्यक्ति सुन ही नहीं सकता है, जिनकी जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य उदय हुआ हो, सौभाग्य उदय हुआ हो, वही व्यक्ति ये कथा को सुन सकते। कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं। फिर ये तोता सुनी तो सुनी कैसे, तब शंकर जी ध्यान लगाए। ध्यान जब उन्हें लगाए, उन्हें सब चीज को उन्होंने दर्शन किया। बोले क्या दर्शन किया, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। उन्हें अपना दिव्य ध्यान से देखा, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं थी। जैसे भगवान राम जब जगत में आए और जब ये जगत छोड़कर गए ना, सब अयोध्या वासियों को साथ में लेकर गए, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं लिया। आपको पता है किसको लेकर नहीं गए, बताओ किसको लेकर प्रभु राम नहीं गए, हनुमान जी को। बोले क्यों नहीं लेकर गए, बोले हनुमान जी अगर तुम चले जाओगे ना, भविष्य में राम भक्ति कौन प्रचार करेगा। उसी तरह भगवान कृष्ण जब इसी मर्त्य जगत में आए, पूरा गोलोक वृंदावन को ठाकुर जी प्रकट कर लिया था, लेकिन वो जाते समय ये तोता भी तैयारी हुआ जाने के लिए। तोता कौन है, बोले राधा रानी की प्रिय तोता, जो निकुंज में रहने वाले भगवान के सारे लीला को जो दर्शन किया। कभी कभी राधा रानी इनको कृष्ण रूप मान करके चुंबन करती थी,
जिनकी अधरा मृत ये तोता की मुंह में लगा हुआ। बोले तोता अगर तुम चले जाओगे तो भविष्य में ये कथा को कौन प्रचार करेगा, इसलिए तुम मत जाया करो। यही तोता ही बड़ी दुखी होकर के भ्रमण करते करते जब ये तोता पहुंचा बद्रिकाश, जब अमरनाथ में शंकर जी यही अमर कथा को सुना रहे थे और तोता ने ये अमर कथा सुन करके श्री व्यास देव की पत्नी की गर्भ में प्रवेश किया और वही श्री श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट होंगे। शंकर जी दिव्य ज्ञान से सब कुछ उन्होंने दर्शन कर लिया। बोले कथा सुनाना सार्थकता हो गया, जिसने ये कथा सुनी सार्थकता हो गया। यही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जगत में भगवत कथा को सर्वत्र ये प्रचार करेंगे। प्रसन्न हो गए शंकर जी, तीन बार परिक्रमा लगाए, प्रणाम करते हुए शंकर जी चले गए। वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। इसलिए देखो कथा का पहला जो लाभ है, क्या लाभ है, राधा रानी कहती जो कथा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा, वो जगत में अमर बन जाएगा। जगत में शंकर जी स्वयं कहते जिस कथा को सुन करके मैं स्वयं अमर हुई। और अभी जो नवरात्रि चल रही है, आप लोगों ने माता जी की सब पूजा करते होंगे, सबके सब व्रत रखते होंगे। क्यों व्रत रखते हो माता जी, कारण क्या है? क्योंकि चूंकि ये माता जी उन्होंने ये अमर कथा, ये भागवत कथा श्रवण की थी और ये कथा सुन करके ही माता जी को ये अमर तो पद की प्राप्ति हुई। और जगत में देखो ये माता जी की सर्वत्र जय जयकार हो रही है। जगत में ये माता जी की सारा दुनिया इनकी पूजा कर रहे हैं। किसकी वजह से हुई है? कहती ये भागवत कथा की वजह से हुई है। अगर हम भी ये भागवत कथा सुनेंगे, आप देखना जगत में तुम्हारी भी जगत में जय जयकार होगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की भजन का बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो आप लोग।
जो स्वयं शंकर जी कहते हैं, ये कथा में स्वयं सुन करके अमरत्व प्राप्त की, माता रानी स्वयं सुन करके अमरत्व प्राप्त की। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे तो इसका पहला लाभ, हम भी जगत में अमर बन रहेंगे। बोले दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवनम। देखो संसार में हम सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी। आप देखोगे ना, कोई नहीं बोल सकता हम संसार में सुखी है। जिसने ये दुनिया बनाया वो खुद कहते हैं ये दुख का घर है। लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी कहती हैं, लेकिन ये कथा जो सुनेगा ना, बोले तप्त जीवनम, ये संसार में जो उत्तप्त जीवन है तुम्हारी, जो दुखमय जीवन है, ये समस्त दुख तुम्हारे दूर हो जाएगी। तप्त जीवन मतलब उत्तप्त जीवन शांत हो जाएगा। इसका प्रमाण देखो, जैसे यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा बैठोगे
संसार में हम सब दुखी, कोई नहीं बोलता सुखी, लेकिन आप देखना जब तक आप संस्कथा में बैठे है ना, आपका संसार का कोई बात याद है क्या? कोई बात याद नहीं, सारे दुख को यही बैठे बैठे कर सारे दुख दूर हो गए। लेकिन ये कथा से निकलते ही ना, ये गेट पार करो, घर में जाने पर ये दिक्कत, घर में हमारी ये दिक्कत, भोग साथ में पहनती नहीं, सांस को साथ में लड़ाई, केवल ये गेट पार करते ही दुख का बोझ पहाड़ जैसे सर पर बैठ जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती है, जो कथा सुनेगा भैया जीवन का सब दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कलमसा अपहम, जितने जीवन में तुम्हारी पाप है सारे पाप भगवत कथा से ही सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति पहले ही दस रत्नाकर था हैं, लेकिन ठाकुर जी कथा भगवान के नाम से इनकी अजामिल जैसे व्यक्ति बेटा का नाम नारायण रख दिया, अपना बेटे को नारायण कहते कहते अंतिम समय में बेटे को कैसे बुला दिया, तो सारे मुक्ति सारे पाप खत्म हो गए। इसलिए जितने तुम्हारी पाप नष्ट हो जाएगा। बोले पंचमा लाभ क्या है? बोले श्रवण मंगल, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर की जो कथा है जीवन का सारे अमंगल को दूर कर देते हैं। देखो जिसे वाल्मीकि स्वयं एक कथा सुनाते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनो, अच्छे तरह सब याद रखना। बोले एक समय एक विभांड नाम का ऋषि थे, ये वाल्मीकि स्वयं कथा सुनाते हैं। ये कथा की क्या महत्व है, आप जो कथा सुन रहे हो उसका कितने महत्व ये कथा की। बोले एक समय एक विभांड नाम के एक ऋषि थे, एक दिन उन्होंने एक राजा सत्यवती और सुमति दोनों पति पत्नी ये 24 घंटा अपना हाथों से ठाकुर को सेवा करते थे। ठाकुर का राजा होते हुए भी राम दरबार है, अपना हाथों से सारी सेवा, समय मिले तो राजा रामायण पढ़ता, रानी स्वयं बैठ करके सुनती हैं, और थोड़ा ज्यादा समय मिले तो राजा रानी स्वयं माला लेकर के रघुपति राघव राजा राम पति तबावन। अभी विभांड ऋषि देख करके फिर देश का राजा रानी, लेकिन ये दिन रात प्रभु का 24 घंटा अष्टजाम प्रभु की सेवा में, बड़ा आश्चर्य उनको लगा। एक दिन उन्होंने पूछा आपकी मति ऐसे कैसे हो गई, बड़े बड़े ऋषियों को जीवन में भी ऐसे नहीं दिखाई पड़ती है। तब से राजा सुमति सत्यवती बोले बाबा आप तो संत हो, संतों के पास में कोई कपट को नहीं रखनी चाहिए, मेरे को 4 जन्म की बात याद। बोले 4 जन्म की बात याद? बोले हाँ। बोले क्या बताओ? बोले पहले जन्म में मेरा नाम था मालती, मेरी पत्नी का नाम थी काली। कहते मैंने बड़ा दुष्ट था, मांस खाना, जुआ खेलना, वेश्या गमन करना, ऐसे कोई पाप काम जो नहीं था मैंने नहीं की। परिवार वाले मेरे को दुखी होकर घर से निकाल दिए। मेरी जो पत्नी को देख रहे हो ये थी काली, उसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी, इसका परिवार ये इसको भी घर से निकाल दिए। एक दिन जंगल में भटकते भटकते दोनों जब हम मिले, देखा अकेला जीवन नहीं बीत रहा है, अभी दोनों इकट्ठे रहने लग गए। एक दिन अभी जो नवरात्रि आई ना, इसी समय में, इस समय का बड़ा महत्व है, अभी जो नवरात्रि आई बोले इसी समय में हम जहाँ रहते थे वो वशिष्ठ के आश्रम के पास में, एक दिन हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित हुए, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो। हमने दोनों ने सोचा भैया इतने लोग यहाँ क्यों बैठे हुए, वहां पर गए, हमने सुना ये वशिष्ठ जी के आश्रम पर 9 दिन तक राम कथा होगी, और जो कथा में आएंगे उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे, हम बड़े कष्ट से हम खाना इकट्ठे कर रहे थे, जब देखा ये 9 दिन तक प्रभु राम की कथा और जो आएगा प्रसाद। बोले भैया 9 दिन तक तो खाने पीने का कोई चिंता नहीं, चलो हम वहां पर दोनों बैठेंगे, कथा के बाद में फलाहार मिलेगा। केवल फलाहार के लोभ से हम दोनों ने ये 9 दिन तक कथा सुनी। जब हमारी जीवन समाप्त हो गई, जब हमको जमदूत पकड़ करके ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त मतलब क्या है, गुप्त मतलब छुपा करके, चित्र मतलब फटो, हम जो जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप ऊपर में कैमरा लगा हुआ, ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ, वो सबके सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। आप जो मन जी के घर में कथा हो रही ना, कथा में बैठे हो, ये भी सब रिकॉर्डिंग हो रही, ऊपर जब जाओगे ना सब खुलेगा, आपने कथा सुने थे। देखो कथा क्या महत्व है। जब वहां पर ले गए बोले इसका कापी खोलो, चित्रगुप्त को बोले जब महाराज, बोले बताओ कितने पाप पुण्य किए, बोले दोनों दुष्ट है, ये दोनों ही दुष्ट बदमाश काम किया, एक तो हर तरह का पाप किया, एक ने अपना पति को हत्या की,
इसलिए दोनों को घर से निकाल दी गई थी और दोनों ही जंगल में रह करके जानवर को मार मुर कर खाए। बोले भैया थोड़ी बहुत तो पुण्य होगा, कापी खोले। बोले एक पुण्य है। वशिष्ठ जी के आश्रम पर इसी समय में प्रभु राम की कथा हो रही थी। ये दोनों खाने के लोभ से पहुंचे, बोले कम से कम प्रसाद तो मिल जाएगा, चलो बैठ कर थोड़ा कथा सुन लेंगे। तो उनने इतनी केवल पुण्य की है, इतने में जब महाराज बोले इनको सारे पाप को काट दो, यहां से सारे पाप को इसको खत्म कर दो, ये दोनों को ब्रह्मलोक को भेजा जाए। 100 साल तक हम दोनों ब्रह्मलोक में रहे, जितने ऐश्वर्य हमने भोग की उसको बाद में फिर आए रमा वैकुंठ में, वहां पर भी 150 साल तक रहे। उसको बाद में स्वर्ग लोक में इंद्र इंद्राणी बन करके सारे ऐश्वर्य को भोग किए। उसको बाद में 100 साल के बाद में अभी हम पृथ्वी का राजत्व तो प्राप्त कर रहे हैं, हमारी ठाड़ बाट तो देख रहे हैं। इसलिए मेरे को 4 जन्म की मैं जाति स्वर हूं, 4 जन्म की बात मुझे याद है। अगर हम अनजान में कहीं ठाकुर जी की कथा हो रही थी, अगर यह कथा सुनकर के प्रसाद पाकर का अगर इतने पुण्य हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी अपना समय को नष्ट नहीं करके हम 24 घंटा हम दोनों ठाकुर का नाम जप करते हैं, राम की सेवा करते हैं, राम की हम भक्ति करते हैं। अगर भक्ति करेंगे तो इसको बाद में फिर हमारी पुनर्जन्म नहीं होगी। देखो ये जो कथा सुन रहे हैं, ये राधा रानी कहती हैं क्या है, बोले श्रवण मंगलम, ये कथा सुनोगे तो जीवन में तुम्हारी मंगल मंगल ही होगा, कभी जीवन में तुम्हारी अमंगल नहीं होने वाले। इसलिए छठवां लाभ कहते श्री, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब लक्ष्मी। ये जो कथा को सुनेगा ना, सब कुछ तुमको जीवन में मिलेगा। दा मतलब खंडयति, कथा सुनने से संसार का सारे बंधन खत्म हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, बोले भूरी दास जना, जगत में हुए सबसे बड़े दानी ये भागवत कथा को जो दान कर रहे हैं। इसलिए हमारे मनोज प्रभु जी ये जो भागवत कथा दान कर रहे हैं, कहते भैया इससे बड़ा दान पृथ्वी में कुछ हो ही नहीं सकती है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राधे। बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। जब उन्होंने ये भागवत की महिमा को प्रारंभ करते हैं, तब से सर्वप्रथम उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते, बोले कृष्ण को नहीं, बोले श्री कृष्णाय। यहाँ पर कहते अकेला कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, कहते श्री मतलब उनकी शोभा सौंदर्य व श्रीमती राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा कर रहे हैं। इसलिए आप वृंदावन जाओ ना, कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ, तो वृंदावन कौन कौन गए हो देखना, वृंदावन में किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा, सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, वो कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं, ये स्वयं कृष्ण खुद कहते हैं। बोले राज शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम, धास शब्द कुर्बत पश्चात धावि श्रवण लोभा। बाकी भी स्वयं कहते हैं, अगर किसी ने रा एक अक्षर बोल दिया, कृष्ण कहते मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, अपना भक्ति दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल देना, बस उसको पीछे 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 घूमता रहता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले
इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर ना बिहारी जी नहीं मिलते हैं, इसलिए वृंदावन में थोड़ा काम कर दो भैया, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का यहाँ पर कहते श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब किसको चरण में, श्री जुगल सरकार के चरण में नुमा, नुमा मतलब होता है अहंकार परित्याग करके संपूर्ण रूप में इनके चरण में हम शरणागत होते। बोले भैया अगर अहंकार छोड़ करके शरणागत हो गए तो मिलेगा क्या? बोले तुमको 8 तुमको 6 लाभ होगी। बोले क्या क्या लाभ होगा? बोले सचिदानंद रूपाय, बोले भगवान की स्वरूप कैसे है? सत चित आनंदमय। और हमारी स्वरूप कैसे है? बोले पंच रचित ये अधम शरीर, ये टाटी पेशाब खून पीक से भरा हुआ शरीर, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको अधम शरीर बताया। लेकिन ये अधम शरीर तो है, लेकिन ये अधम शरीर से तुम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्राप्त इसी शरीर से हो सकता है। इसलिए बोले भगवान तो सत चित आनंद है, इसलिए होने का नाते कहते हम उनके अंश है, हम अमृत से पुत्र, वो अमृत की पुत्र होने का नाते कहते वो संपत्ति में हमारी भी अधिकार है। एक दिन भी हम भी वो सत्य चीज को प्राप्त कर सकते, सत्य सत मतलब सत्य, चीज मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद है, हम भी एक दिन उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब भगवान के चरण में तुम शरणागत होगे। जैसे हनुमान जी को देखो, अजर अमर है कि नहीं? तुलसीदास जी को देखो, मीराबाई को देखो, अमर हो गए कि नहीं? क्यों? ठाकुर के शरण में उन्होंने गए। कहते ताप त्रय विनाशाय, अगर उनके शरण में जाओगे, जितने 3 तरह का जो ताप है, 3 तरह का ताप क्या? बोले आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब होता है कि जो शरीर और मन से जो दुख है, जिसको मानसिक कष्ट कहते हैं, इसकी ये ऐसे के बीमारी, हर बीमारी का तो दवा, लेकिन इसका कोई दवा है ही नहीं। मन की रोग का कोई दवा है? इसका कोई भी दवा नहीं है। और एक होता है आदि भौतिक, भौतिक मतलब एक जीव से एक जीव को जो कष्ट होता है, सांप से मच्छर से, अभी जैसे हिंदू मुसलमान लड़ाई, देश देश में लड़ाई है ये। और एक है कहते आदि दैविक, आदि दैविक मतलब जैसे अभी कोरोना आई थी, अब कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी भूचाल आ जाती है, कहीं ज्यादा धूप आई, कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी ये देवता को द्वारा महामारी, ये सबके सब देवता को द्वारा प्रदत्त है। कभी जगत में कोई जन्म लेगा उसको सबको, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, ये राजा से लेकर के रंग तो कभी ये दुख किसको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहते हैं वही व्यक्ति को छोड़ सकता है जो ठाकुर जी के शरण में शरणागत है, उस वही व्यक्ति ही ये सारे दुख से ऊपर जा सकता है। इसलिए उनने सर्वप्रथम ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोले, जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाए, जब ये कथा विश्राम हो गई, गोलोक वृंदावन से एक सुंदर रथ आया, परीक्षित महाराज रथ में बैठते हुए भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए सीधा ठाकुर जी को पास में चले गए। अभी पितामह ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, कोई जप तप ध्यान ज्ञान कुछ नहीं, केवल बैठ कर कथा ही तो सुने और तो कुछ किया नहीं। लेकिन फल क्या हुआ? भगवत धाम से रथ आया और भगवत भक्त स्वरूप प्राप्त करते हुए सीधा भगवान को पास में पहुंच गई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा,
इसलिए ब्रह्मा जी सत्य युग में के तराज लिए, तराज लेकर के एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म है जितने पुण्य सबके सब तराजू का एक तरफ धर दिए, दूसरे तरफ में केवल उन्होंने ये भागवत कथा जो श्रवण है ये कथा को दूसरे तरफ में रख दिए, तो वो तो देखा पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म सब हल्का हो गया। इनको पता चला भैया ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी सत्कर्म को आप ये कथा को सामने कभी बराबर नहीं कर सकते। क्यों? ये कहते ये कथा नहीं है, ये स्वयं बांके बिहारी है, ये स्वयं बांके बिहारी भगवान है। आप बताओ ठाकुर को साथ में जगत का कोई चीज तुलना कर सकते कभी? इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिया, बोले देखो आज से ये ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर भगवान की कथा होनी चाहिए हैं। इसलिए क्योंकि उनका बेटा नारद चतुसन सब महाभागवत ये सबके सब महाजन है, इसलिए नित्य निरंतर यहाँ पर भागवत कथा नित्य निरंतर चलनी चाहिए। तब यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, कहते यद्यपि ये नारद जी सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी से भागवत कथा सुना लेकिन उन्होंने ये नियम करके 7 दिन तक उन्होंने कहते ये चतुसन से क्यों कथा सुनी? नारद रमते जोगी बहते पानी है, फिर इनको नियम पूर्वक कथा क्यों सुनाए? तब इसका रहस्य कहते हैं, पहले एक दिन नारद जी उन्होंने सब लोक में भ्रमण किया लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली इन्होंने देखा जो मर्त्य जगत है यहाँ पर तो भगवान का धाम है वृंदावन धाम है और ये जो मर्त्य जगत नाम तो मर्त्य जगत है लेकिन ये जो हमारा मर्त्य जगत है ना ये बड़ा पुण्य भूमि है। इसलिए भागवत का 11th स्कंध में बताए ये देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते बोले प्रभु हमें ये भारत भूमि में जन्म दो, हिंदू घर में सनातन धर्म में हमें जन्म दो। क्यों? बोले कारण जो भगवान की जो भक्ति है ना और कहीं प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग लोक में केवल भोगी भोगे, अब पुण्य खत्म होते ही पता नहीं कौन सा जीवन में जाएंगे, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति जो भजन है केवल ये भारत भूमि में। और विशेष करके बताओ ये गंगा जमुना कहाँ पर है और कहीं क्या विदेश में क्या है? गंगा जमुना अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ पर है? भगवान में, केवल केवल भारत में ही। इसलिए हमारे देश का नाम भारत, मतलब क्या? भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब होता है हर समय जो प्रकाश का तरफ में रत रहते। देखना एक एक देश पर एक एक वस्तु के लिए वो प्रसिद्ध है लेकिन भागवत किसके लिए प्रसिद्ध? केवल ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही भागवत की महिमा और किसी चीज के लिए नहीं। अमेरिका लंदन फ्रांस देखना एक एक चीज के लिए प्रसिद्ध लेकिन भारत केवल इसलिए प्रसिद्ध है जहां पर भगवान कृष्ण आए, जहां पर भगवान हमारे राम आए, जहां पर हमारी भगवान सारे जितने संत सब कहां पर जन्म हुए, इसलिए भारत भूमि। इसलिए जो भारत भूमि को ये पुण्य भूमि मानी गई, बोले श्री भारत भूमि की। इसलिए उन्होंने सब जगह कर भ्रमण किए लेकिन भ्रमण किए तो उन्होंने देखा ये जो कलयुग है ना वो किसी को नहीं छोड़ा। तीर्थ स्थान पर गए, देखा सारे मुसलमान लोग जैसे हमारे राम मंदिर था, जैसे हमारे कृष्ण का मंदिर, जैसे हमारी काशी विश्वनाथ सब तोड़ फोड़ करके क्या किया मुसलमानों ने अपना मस्जिद बना दी सबके सब। और तीर्थ स्थान में गए, उन्होंने गृहस्थ घर में भी गए और उन्होंने संतों के आश्रम पर गए, उन्होंने देखा जो कली है ना किसी को नहीं छोड़ा, कली सब जगह पर आधिपत्य विस्तार करते हुए बैठे हुए। सोचे भैया वृंदावन धाम ठाकुर जी का धाम है, बांके बिहारी रहते हैं, चलो हम थोड़ी वृंदावन जा करके देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन में आए और वृंदावन में भ्रमण करते करते जब उन्होंने जमुना किनारा में आए उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। बोले उन्होंने क्या देखा? देखा एक बीच में एक युवती बैठी हुई, दोनों बगल में दो बूढ़े जिनकी केस सफेद हो गए, चमड़ा ढीली पड़ गई, दो बूढ़े लेटे हुए और कुछ सखियां वो जो बीच में एक सुंदरी बैठी हुई उनको चामर व्यंजन कर रहे थे और सबके सब वहां पर रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। नारद जी को देख करके बोले भैया संतों से इसको साथ में क्या मतलब? यहाँ नारद जी चलने लग गए। इतने में वो जो बीच में बैठी हुई थी तब उन्होंने श्री
नारद जी को बोले बोले भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, थोड़ी सी रुक लो, थोड़ा सा रुक जाओ। नारद जी रुक गए। बोले तुम कौन हो? बोले आप मेरे को नहीं जानते हो? बोले नहीं, लगता है तो कहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रहे। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरे नाम तो भक्ति है, और जो दो बेटे हैं ना बूढ़े देख रहे हो, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है, इसलिए एक कहते काल जो गए ना जर्जिता, लेकिन ये दोनों काल की जोग से दोनों बूढ़े हो गए। जगत में नियम क्या होता है, माँ होती है बूढ़ी, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्भाग्य देखो तो सही, माँ तो जवानी और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हुए कैसे? फिर इसको उन्होंने रहस्य बताते हैं ये कैसे बूढ़े हुए। देखो एक चीज को अच्छे तरह से समझो, यहाँ पर कहते हैं भक्ति देवी की दो बच्चे हैं, कौन कौन है? ज्ञान वैराग्य। बोले इसका मतलब क्या है? कहते अगर जगत में कोई भक्ति करना चाहते हैं, हमारी दो बच्चे होनी चाहिए, कौन होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन शास्त्र कहता है जो भगवत प्राप्ति है ना, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान वैराग्य से भी नहीं मिलते हैं, भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं। इसलिए कहते ना भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान वैराग्य से नहीं मिलते हैं। लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं भक्ति, कहते मेरे दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। अभी प्रश्न यहाँ होता है भैया ज्ञान वैराग्य बेटे कैसे हो गए? हाँ ये चीज को अच्छे तरह समझ लो। कहते हैं अगर ज्ञान वैराग्य के दो बेटे अगर ये जवानी नहीं हो ना बूढ़े हो, तो जो भक्ति है ना वो रोती रहती है, फिर भक्ति को शांति नहीं मिलती। मतलब अगर भक्ति को पुष्ट करना चाहते हो, ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारी जवानी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, तभी तो भक्ति सुखी रहेगी, नहीं तो भक्ति रोती रहेगी। लेकिन शास्त्र कहता है ज्ञान वैराग्य तो ठाकुर मिलते नहीं, जब मिलते नहीं फिर इनके बच्चे कैसे हो गए, ये चीज को समझो। इसलिए जो ज्ञान है ना, बोले तीन तरह का ज्ञान है, तत्पदार्थ तम पदार्थ और जीव ब्रह्म का ज्ञान, ये तीन तरह का ये ज्ञान है, हैं? लेकिन ये जो ज्ञान बताया, एक ज्ञान होता है जो चाहते हैं लास्ट में अपना ज्योति को हम परमात्मा ज्योति में लीन कर दे, ये आत्मा को ज्योति में लीन कर दे, एक ये ब्रह्म ज्ञान है, हैं? जो जीव चाहता है वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दे, भैया वो ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, वो ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान है, हैं? लेकिन एक ज्ञान होता है भक्ति संबंधी ज्ञान, जैसे हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है ना। लेकिन ये जो ज्ञान है ये भक्ति को ढकने वाला ज्ञान नहीं, ये भक्ति को पुष्ट करने वाला ज्ञान है, जो भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान है। जैसे हम कौन है, कहाँ से आए, भगवान कौन है, इनके प्रेम क्या है, ये सब चीज जो ज्ञान है ये भक्ति को पुष्ट करने वाले ज्ञान होनी चाहिए। वैराग्य वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन वो कह रही है हम मैं उनको बेटा हूँ। कहते जो वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग, इसका नाम सही वैराग्य है। कहते अगर ये दो बेटा अगर पुष्ट हो फिर तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन ये दो चीज कहाँ से मिलेगी? बोले भागवत से। ये भागवत में यही जो भक्ति संबंध ज्ञान, भगवान कौन, उनको भक्ति कैसे किए जाए, जिसमें जो चरित्र है, इसी सही पूर्ण रूप में जीव को ये भक्ति संबंध ज्ञान और भक्ति संबंध जो वैराग्य प्रेम है ये भागवत से मिलेगी। इसलिए ये भागवत सुनकर के ज्ञान वैराग्य क्या हो गई, एकदम जवान ही हो गई, नाचने लग गए भक्ति को साथ में, भक्ति भी प्रसन्न हो गई और ये ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा सुन करके ही, जब चतुसन ने ये भागवत कथा श्रवण कराए, ये भागवत कथा सुनकर ज्ञान वैराग्य एकदम जवानी हो गए और सबके सब भगवान के नाम को लेकर के ये भी नाच उठे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय महारानी की 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 जय गिरधारी की जय वनवारी की जय गिरधारी की जय वनवारी की जय भगवान के बिहारी की जय जय बिहारी की जय 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 महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय। यदि भागवत कथा सुन करके वहाँ पर गोलोक वृंदावन से स्वयं प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, वहाँ पर इंद्र अर्जुन सबके सब पखवाज बजा रहे थे, मजीरा बजा रहे थे, नारद जी बिना बजा रहे थे और सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे भजन उसे अनुरूप नृत्य कर रहे थे। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले भागवत का तात्पर्य होता है साक्षात भगवत प्राप्ति। इसलिए कथा के द्वारा स्वयं बांके बिहारी अपना शक्ति राधा जी को साथ में प्रकट हो गई और सबके सब प्रसन्न होकर नाचने लग गए। इसे जब नाचने लग गए, अभी श्री प्रश्न कर रहे हैं नारद जी चतुसन से, ये बताओ ये कथा सुनकर के अगर कोई प्रेत योनि में अगर कोई पड़ा हुआ हो क्या उसको मुक्ति हो सकती है? बोले भैया जब भागवत कथा से साक्षात भगवत प्राप्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य चेतनता प्राप्त किए, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई और साक्षात भगवत प्राप्ति हो गई, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ उसको क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? फिर उन्होंने किसकी कथा सुनाते हैं? गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाते हैं, हैं? अभी हमारे बीच में हमारे एक भक्त है, आपको ये गोकर्ण धुंधुकारी की तरह कथा सुनाएंगे। ये गोकर्ण धुंधुकारी की कैसे उधार हुई है कभी ये भागवत में कभी एक बहुत बड़ी कथा है, कौन सुनाएंगे? हाँ, ये प्रभु जी आपको गोकर्ण धुंधुकारी के, देखो ये जो गोकर्ण धुंधुकारी कभी जो आत्मदेव है, ये जो आत्मदेव है कभी आत्मदेव कैसे थे, कभी ब्राह्मण घर में इनके जन्म हुआ है। एक व्यक्ति क्या चाहता है हमारे किसी श्रेष्ठ घर में हमारा जन्म हो जाए, लेकिन इनकी कि कौन सा घर में जन्म हुए? ब्राह्मण घर में। लेकिन पत्नी का नाम क्या थी? धुंधुली, धुंधुली थी। देखो जगत में कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी पत्नी पति तो आत्मदेव होता है लेकिन कभी जो पत्नी है ना धुंधली हो जाती, मतलब कभी कभी दिखाई पड़ता है पति को तो बड़े भक्ति में रुचि है, को भजन में रुचि, कभी कभी दिखाई पड़ता पत्नी की एकदम रुचि नहीं, एकदम अज्ञानी, धुंधली मतलब अंधकार, अज्ञानी, एकदम अज्ञानी हैं। लेकिन भैया कभी कभी देखना पत्नी तो आत्मवती रहती है, बड़ी भक्ति में रुचि, लेकिन कभी कभी पता चलता भैया पति बड़ा धुंधुकारी, ये बड़ा दुष्ट है। लेकिन उसी संसार ही धन्य है जिसके घर में पति भी आत्मदेव हो और पत्नी भी आत्मवती हो। अगर दोनों अगर घर में पति पत्नी भक्ति करते हैं, हमारे शास्त्र कहता है वो घर घर नहीं कोई घर ही वैकुंठ है, कोई घर ही वृंदावन है। जिस घर में पति पत्नी दोनों मिलकर भजन करे, बच्चे सबके सब प्रभु की भक्ति करे, शास्त्र कहता है वो घर नहीं, वो घर साक्षात भगवान की धाम ही वो घर है, वो घर धन्य घर है। इसलिए आप लोग कोशिश करना क्या दोनों पति पत्नी दोनों मिल करके सब बच्चों को सबको लेकर के भगवान की भजन करो, फिर आपका घर ही भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिगौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा गए मेरे साथ बोले बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोद्धत श्रीमद् भक्तिवेदांत शिलाशीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हृदय कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाष्टोद्धत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सोपान से सफरगर गौर नित्यानंद प्रभु उपस्थित वैष्णव वृंद भक्तवृंद ब्राह्मण वृंद समस्त श्रोत्र मंडली माताएं सबके चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है ये विशेष करके दो पुराणों में वर्णन कर रहे हैं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने तो श्रीमद् भागवत को बाद में रचना किया और पद्म पुराण स्कंद पुराण तो पहले रचना की कर दिया था। तो इसमें इसके उत्तर में बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम नित्य है, इसीलिए इनका महिमा भी नित्य है। इसीलिए श्रीमद् वेद व्यास जी ने ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका महिमा बताया। तो आज जो गुरुदेव अभी बता रहे थे ये पद्म पुराण में ये ज्ञान और वैराग्य की महिमा अभी हम श्रवण कर रहे थे और इसी पद्म पुराण अंतर्गत एक गोकर्ण धुंधुकारी चरित्र भी आता है। तो श्रीमद् भागवत में इसकी महिमा बता रहे। जिस समय नारद जी ने चतुसन के मुखारविंद से कथा श्रवण किया, भक्ति देवी ने कथा श्रवण किया, ज्ञान और वैराग्य हृष्ट पृष्ट होकर नाचने लगे और भगवान वहां पे साक्षात विद्यमान हो गए। उसी समय ये नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कोई भी कितने भी पाप कर्म क्यों ना करे, कोई भी पाप कर्म क्यों ना करे, उसको क्या भागवत, ये भागवत से इसका क्या मुक्ति होगा। तब उसी समय ये सनकादि मुनि ये बता रहे हैं, अरे पाप कर्म की तो बात छोड़ो, जो पापी हो के मृत्यु हो चुका है वो प्रेत जूनी में भी है, भूत प्रेत भी अगर है तो उसको भी निश्चित रूप में मुक्ति हो सकता है। तो नारद जी बोले कैसे बताइए। तो चतुसन फिर कथा शुरू करते हैं, बोल रहे हैं तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है, उस नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक बड़े विद्वानी ब्राह्मण थे, बड़े तेजस्वी थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे। लेकिन ब्राह्मण को बड़े विद्वानी थे लेकिन उनका पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली ही मति ही क्रूरा कलह प्रिया, बता रहे हैं धुंधुली का जो मति है जो बुद्धि है वो कलह प्रिया। कलह प्रिया मतलब जब तक पड़ोसी में झगड़ा ना लगे, जब तक पूरा मोहल्ले में किसी से लड़ाई ना कर दे, पति से जब तक लड़ाई ना कर दे तब तक उसका चैन नहीं, ऐसे धुंधुली हर समय लड़ाई करती रहते है। कृपणा बड़े कंजूस और सब चीज में बड़े झगड़ालू है। तो आत्मदेव का भगवान की कृपा से सब कुछ था, बड़े ब्राह्मण परिवार में कुल में जन्म ग्रहण किए थे, बड़े धन धान सब था लेकिन पुत्र संतान नहीं था और ऊपर से धुंधुली का परेशानी। तब आत्मदेव ने सोचा कि ऐसा जीवन का क्या करना। तो आत्मदेव ने हे भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ मरूं, ऐसे भागते भागते वन में चले गए। एक दिन इतना परेशान हो गए भागते भागते वन में चले गए और वन में भागते भागते जाके एक सरोवर के नीचे बैठ के वहां पे देखा कि सरोवर है, थक गए थे वहां पानी पिए और विश्राम करके वहीं बैठ के रो रहे। अब उसी वन में उसी समय पे एक सन्यासी महात्मा एक साधु महात्मा उसी रास्ते पे जा रहे थे। अब साधु ने देखा कि ब्राह्मण बड़ा रो रहा है। अब साधु का हृदय क्या है, साधु का हृदय तो बड़ा कोमल है, पर दुखे द्रवेशु, तो बोल रहे कि पर दुखे द्रवेशु संत पुनीता निज पर तापे द्रवे नवनीता, बोल रहे पर दुखे बड़े द्रवे हो जाते हैं साधु। तो बोल रहे हैं कि भाई कथम रोधसिम विप्रम तम, हे विप्र क्यों रो रहे हो, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो। जैसे ही वो तो थोड़ा थोड़ा रो रहा था, जैसे ही साधु को देखा देखे मात्र से ही भयंकर जोर जोर से सर पटक पटक कर रोने लगा। तो साधु सोचे भाई क्यों रो रहे हो, बोलो हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो बताओ। तो बोल रहे हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ है, धन है धान्य है, फिर क्या, फिर प्रभु सब कुछ तो है लेकिन पुत्र पुत्री नहीं है। साधु बोले राम राम मैं तो सोच रहा था वन में भटक रहा है, कोई मेरे प्रभु के लिए भजन कर रहा होगा, वन में क्यों जाते, भगवान के भजन करने के लिए।
बोले मैं तो सोच रहा था वन में आया है प्रभु के लिए भजन कर रहा, ये तो संसार विषय विषय पुत्र पुत्र बेटा बेटा पुत्र के लिए चिल्ला रहा है ये तो। वहां पे संत ने सन्यासी महात्मा ने उसको बड़े प्रेम से समझाया, देखो कि त्यज संसार वासनाम विवेकं तुम क्षमा साध्यम त्यज संसार वासनाम मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठ कर्मणा गति। कर्म का जो गति है ना बड़ा गहना है, इसीलिए कर्म फल के अनुरूप जीव को उसी मात्रा में ही सुख दुख बेटा पुत्र परिवार धन संपत्ति सब मिलता है। इसीलिए तुम एक काम करो ना, मुंचा ज्ञान यानी ये पुत्र का क्या, पुत्र और परिवार में क्या रखा है, सब नश्वर है, इसीलिए तुम इसको सब छोड़ छाड़ करके क्या करो, विवेक तो समाज साध्यम तेज संसार वासनम, अपने हृदय में विवेक लाओ और विवेक करते हुए तुम भगवान के भजन करो और सुखी होना चाहते हो तो सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ हमारे जैसे साधु महात्मा बन जाओ और साधु महात्मा बनने से तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, बस बैठ के आराम से भजन करना। अब ब्राह्मण उधर देखा, बोले भाई आप मुझे मस्ती खाओ, आप क्या जानोगे साधु महात्मा, जिस समय हम घर जाते हैं घर में सब कुछ हो और तोतली तोतली बानी में अगर छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, पापा पापा नहीं बोले, पापा मम्मी नहीं बोले, आप क्या जानोगे साधु वैरागी महात्मा, आप तो बन बन भटकते रहते हो, हमें पूछो ये वैराग्य के आप पाठ सिखा रहे हो, हम गृहस्थ हैं हमें तो पुत्र चाहिए, अगर पुत्र का जो सुख आप कैसे जानोगे। तो सन्यासी ने बोला, तो बड़े जिद्दी है, तो सन्यासी ने बोला देखो त्रिसप्ताधि अवधिम पुत्रम नैवच नैवच, मैं तुम्हारा माथे का लकीर देके बता रहा हूँ ना, तुम्हें सात जन्म पर सात सप्ताह जन्माधि पुत्रम नैवच नैवच, तुम्हें सात जन्म तक ये पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण तो जो रो रहा था सर वहीं उनके चरण में पटक दिया, बोले साधु बाबा आपने तो मेरे कष्ट को सात गुना बढ़ा दिया, मैंने कहा सोचा था कि साधु के कृपा से कहीं कुछ ना कुछ हो जाए, कथा में बोलते ना जो ना करे लकीर वो कर दे फकीरी, जो हमारे लकीर नहीं कर सकता हाथ का रेखा भविष्य नहीं कर सकता वो क्या करते थे साधु संत कृपा करके कर देते, मैंने तो सोचा था आप संत हो संत करके मुझे कृपा करोगे, अब तो मेरा दुख को सात गुना बढ़ा दिया, मेरा दुख को हरण क्या करोगे, हे प्रभु आप मुझे ही कृपा करो, आप मुझे बेटा दिला दो, अगर आप मुझे बेटा नहीं दो तो यही मर जाऊंगा। सन्यासी बोले मर जाओ, बोले नहीं आपके चरणों में मरूंगा, आपको ब्रह्महत्या के दोष लगेगा। साधु बोले हे राम राम मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, कहां मैं इसको पूछता और ये मुझे उल्टा मुझे फंसा दिया। और वहां पे जैसे कि उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा है, तो अब संत बड़े कोमल उनके संत हृदय नवनीत समाना, बड़े कोमल हृदय वाले होते हैं संत, तो कृपा करके वहां से एक फल तोड़ के लिए, लो ये फल लो और अपने पत्नी को दे देना और अपने पत्नी को बोलना कि सत्यवादी बने और सोच आदि पूरा का पूरा पवित्रता रहकर इस फल को अगर ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप में तुम्हारे घर पुत्र संतान होगा। तब इसके फल को देखकर क्या किया ब्राह्मण आत्मदेव तो वहां से छलांग लगाते कूद कूद के इतना खुश हो गया और दौड़ते हुए सीधा जैसे वन में मरने के लिए गया था ना, मरने के बाद एकदम से हटा दिया, सीधा गांव में आता है और गांव में आके जैसे घर में आया बोले सुन रहे हो, ओ सुन लो देख लो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। तो धुंधुली ने सोचा कि आज सुबह से गए थे शाम हो रहा है, लग रहा है कोई बड़े कोई यजमान जुटे होंगे, बड़ा तगड़ा माल लेके आए होंगे। बोले लाओ, दौड़ते हुए धुंधुली आई, बोले लो फल लाया हूं। धुंधुली बोले क्या फल, फल क्या मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, फल क्या मैंने कभी नहीं खाया, मुझे तो लगा कि आप कहीं नौ लख के हार लेके आओगे, कहीं हीरे जवरात सोने साड़ी मेरे लिए लेके आए हो, ये क्या फल दे रहे हो। तो आत्मदेव बोले देखो ये फल साधारण नहीं है, वन में मुझे एक बड़े तपस्वी संत मिल गए थे जिन्होंने ये फल दे दिया। तो धुंधुली बोला फिर क्या, तो ये आत्मदेव बता रहे हैं ये फल को अगर खाओगे ना हमारे घर में पुत्र संतान होगा। अच्छा ठीक है, धुंधुली ने तो ले लिया, लेकिन धुंधुली का बुद्धि क्या है ना विपरीत बुद्धि, हर समय कलह करती है ना झगड़ालू है ना, ये विपरीत बुद्धि, शाम के समय फल को लेके बैठी है सोच रही खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, सच में होगा कि नहीं होगा। एक समय उसी ऐसे सोचते सोचते उसके पड़ोसन आ गए, तो बोले सखी तुम तो बड़े उदास लग रहे हो, बात क्या है, फल लेके आज कहाँ घूम रहे हो। तो सखी देख ना ये जो फल है ना मेरे पति लेके कहीं से आए हैं और कोई साधु संत दिया है,
कोई साधु संत दिया है, मुझे तो लग रहा है कोई साधु संत मेरे ऊपर जादू टोना करने के लिए दे दिया ये फल, मैं खा के अगर मर जाऊं तो इसमें अब जहर हो तो। बोले नहीं नहीं सखी, खाओगे ना, संत का जो फल है ना बड़ा, ये ना बड़ा इसका महत्व है, बड़ा वैल्यू है इसका, इसलिए खा लो, विचार मत करो। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने सुना है गर्भवती का कष्ट जो बहुत कष्ट होता है। बोले हाँ मैंने भी तो सुना है, गर्भवती में क्या होता है, पेट बाहर निकल जाता है। अब बताओ तू ही, घर में अगर चोरी हो जाएगा तो मैं भाग के दौड़ भी नहीं जा पाऊंगा, चोर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब बताओ तुम, अगर फल नहीं खाऊंगा, फल खाऊंगा गर्भवती बन जाऊंगा, अगर गर्भवती बनते बनते अगर बताओ गर्भवती अवस्था में कोई चीज खाने पीने के लिए अच्छे नहीं लगता, तुमने सुना है? बोले हाँ मैंने सुना है। अच्छा ये बताओ, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा तो हट्टा कट्टा कैसे बनूंगा? अब मैं हट्टा कट्टा हूँ तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की? अब बताओ मैं कमजोर हो जाऊंगा तो? कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर को ना सके सब सताते हैं, सब लड़ाई करेंगे मुझे देख, कमजोर देख के। अब तू ही बता, कमजोर मैं कैसे लड़ाई करूं, कैसे झगड़ा करूं? तब सखी बोलते देख, संत का फल है, फल खाने में क्या जाता है, खा लो फल। अगर फल खाओगे, अगर हो गया फलीभूत हो गए संत के बाद, सत्य हो जाएगा, बेटा नहीं है बेटा हो जाएगा। और नहीं खाओगे तो फल खा के सब हट्टे कट्टे बनोगे, झगड़ा करोगे, खा लो। लेकिन खा तो लूंगा, और एक मुश्किल है, और एक प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैंने सुना है सुखदेव गोस्वामी अपने मातृ के घर में 16 साल तक रुक गए थे, और मेरे गर्भ में और एक दो साल रुक गए तो मेरा हो गया। हरि बोल। एवं कुतर्क भावेनम तत्फलम नैव भक्षिता, इस प्रकार का कुतर्क करके तत्फलम नैव भक्षिता, उस फल को उसने खाया नहीं। और आत्मदेव ने पूछे कि फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया, झूठ बोल दिया। अब कुछ समय के पश्चात उसके छोटे बहन घर में आते, बोले दीदी बड़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बोले देख इन्होंने ना कहीं घूम घाम करके बन से कोई फल ले आ गए और मुझे बोल रहे हैं फल खा लो, और फल खाने से पुत्र होगा। तो उसके छोटे बहन तो पहले से ही बड़े चंचल था, तो उसने भी बोला कि फल खाने से थोड़ी ना कोई होता है बच्चा पैदा होता है, तुम पागल हो, तुम भी जीजाजी के बात में आ जाते हो, ये फल वल से कुछ नहीं होता। देखो तुम्हें अगर बेटा चाहिए तो मेरे घर में कोई खिलाने वाला नहीं और तुम्हारे घर में कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम अगर चाहते हो तो मेरे पुत्र, अभी कुछ दिन में जन्म होने वाला है, मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगा और तुम मुझसे डील कर लो, चुप्पी कर लो, और तुम उसी बदले में मेरे पुत्र को कुछ, मेरे पति को कुछ संपत्ति दे देना। मेरे घर में पुत्र तो है लेकिन खिलाने के लिए हमारे पास धन नहीं है, तुम आज तुम्हारे घर में बहुत धन संपत्ति है, तुम मेरे पुत्र को लेके पाल पोस करके करो। तो धुंधुली तो बड़े प्रसन्न हो गया, इससे तो गर्भवती भी होना नहीं पड़ेगा और पुत्र भी मिल जाएगा एक साथ में सब दोनों के दोनों। बोले फल का क्या करें? बोले फल का एक गाय को खिला दो ना, तुम्हारे घर में गाय भी तो बांझे, गाय को खिला दो, अगर साधु का अगर वाणी सत्य निकले तो गाय भी जन्म देगा। तो ऐसे ही किया, उसी फल को जैसे तैसे करके गाय को खिला दिया। अब 3 महीने के बाद गाय ने भी एक पुत्र जन्म दिया। तो गाय ने जिसे पुत्र जन्म दिया, बड़े दिव्य सुंदर बालक, अद्भुत स्वरूप और बड़े तेजस्वी स्वरूप उनके पुत्र हुआ। और पुत्र होते हुए जो गाय के जैसे कर्ण, उसका जो कान था ना, जो गाय ने जन्म दिया था उसका कान गाय के जैसा था, इसीलिए आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए और उनका नाम दे दिया गोकर्ण। इधर धुंधुली के जो छोटी बहन थी, उसके भी एक दिन के बाद पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ तो धुंधुली को लाके दे दिया। तो धुंधुली बोले हमारे घर में भी बेटा हुआ है। अब तो आत्मदेव पूरा प्रसन्न होके गाँव में पूरा ढिंडोरा बजाते बजाते मिठाई और सारे दान करने लगा कि मेरे घर पुत्र हुआ है। गाँव के सारे लोग देखने आए कि अहो देखो, जिसके घर में भगवान कुछ नहीं देते, जब भगवान देते चप्पर फाड़ के देते, जिसके घर में कुछ भी नहीं था गाय ने भी एक पुत्र दे दिया और धुंधुली ने भी एक पुत्र जन्म किया है। सब देखने आए इस अद्भुत दृश्य को। तब धुंधुली ने बोला कि गोकर्ण नामकरण कर रहे थे, तो धुंधुली ने बोला आपने क्या नामकरण करोगे, ये धुंधुली है और मेरे नाम के द्वारा इसका नामकरण होगा क्या ना, धुंधुकारी। तो गोकर्ण आत्मदेव बोले ठीक है भैया तुम्हारी बात हो रही जाए। तो एक का नाम तो हो गया गोकर्ण और दूसरे का नाम हो गया धुंधुकारी। गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधुकारी महाखला।
गोकर्ण पंडिता ज्ञानी, गोकर्ण बड़े पंडित, बड़े विद्वानी, बड़े तेजस्वी, बड़े ब्राह्मण तेज, ब्राह्मण जैसा तेज था, लेकिन धुंधोकारी महाखलव, बड़े दुष्ट क्रूर कृपणदा, जितने माता के गुण है ना सारे ये धुंधुकारी में आ गया। इसमें दो अक्षर बता रहे हैं, ख और ल। धुंधुकारी महाखल, ख से खाना, अल से लड़ना। ये दोनों के चीज के अलावा और उसके जीवन में और कुछ भी नहीं है। जब तक शराब मांस मछली मदिरा इधर उधर का चीज उल्टा पुल्टा ना खा जाए, जब तक मोहल्ले में लड़ाई ना कर जाए, पिता माता से लड़ाई ना कर जाए, भाई बंधु कुटुंब से लड़ाई ना कर जाए, किसी के बच्चे को पानी में ना फेंक दे, किसी का सर ना फोड़ दे, इसको चैन नहीं है धुंधुकारी को। तो इसलिए धुंधुकारी महाखल। तो बता रहे हैं कि जिस समय इसका इस प्रकार का बुद्धि देखते हुए अब पता ही चल जाता है मोहल्ले में, सब लोग आने लगे कि तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, धुंधुकारी के ऊपर सब कंप्लेन करने लग गए आगे। तब उसी समय आत्मदेव बड़े दुखी होते हुए बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे उस साधु ने बोला था कि तुम्हारे जन्म जीवन में, इस जन्म में तुम्हारे पुत्र नहीं है, मैंने ही पुत्र का कामना किया था, और देखो कैसे क्रूर पुत्र मेरे घर में जन्म लिया, कैसा बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, अब तो मैं घर में ही नहीं रहूंगा। जब बच्चा नहीं था तब भी मरने जा रहे थे, अब जब बच्चा है तब भी मरने जा रहे, तो बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं। ऐसे सोचते सोचते उसी समय पे ये बड़े दिव्य ज्ञान धारण करके कौन, ये गोकर्ण वहां पे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, और देखते हैं पिता का इस प्रकार का दशा को देख के वहां को अपने पिता को बड़े सुंदर रूप में वहां पे उपदेश देते हैं। न चंद्रस्यम सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनम सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरिकांत जीवनम। न चंद्र, इंद्र को भी सुख नहीं है, इंद्र का भी चैन नहीं है। कोई असुर बड़ा अगर तलवार लेके खड़ा हो जाता ना, इंद्र का सिंहासन भी कांपने लगे, भागने लगते हैं भगवान के पास। न चक्रवर्ती, ना बड़े बड़े राजा को भी सुख नहीं है, चैन नहीं है। कोई बोलेगा राजा को सुख है, बोले राजा को भी सुख नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का निवास। सब थोड़े थोड़े रूप में सब दुखी हैं। यहाँ सबको अगर पूछा जाए सब सुखी हो, हाँ सब लोग बोलते हैं हम तो बड़े सुखी हैं, लेकिन थोड़े देर उनके पास बैठो भैया सुखी हो, अरे क्या बताऊं घर में ऐसा ऐसा, बहू ऐसा लड़ाई करती, अरे मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने ये कर दिया। तो सब के सब थोड़े थोड़े दुखी ही हैं, कोई भी सुखी नहीं है। तो बता रहे हैं पिताश्री, इंद्र जैसे, इंद्र भी दुखी है, और ना चक्रवर्ती ना राजा तक भी दुखी है, इसलिए सबके सब दुखी है। सुखम अति विरक्तस्य, कि केवल सुख में केवल क्या है ना, केवल आप ये जो अस्थि मांस जो शरीर को जो पिंडला है, जो पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर को मैं और मेरा, ये दोनों शरीर में मैं और मेरा करते करते हमारा शरीर चला जाता है, इसीलिए धर्मम भजस्व सतदम। आप क्या करो ना, कोई संत के जे चरणाश्रित होके वन में जाके भगवान का भजन करो। तो इस प्रकार का उपदेश सुन के जिनके पिता आत्मदेव वहीं से ही वन में चले गए भजन करने के लिए। अब जैसे ही पिता चले गए, अब माता को बड़ा पिटाई हुआ, धुंधुकारी ने बड़ा पिटाई किया धुंधुली को। अब धुंधुली ने बोला, अरे मेरे पुत्र, मेरे ये माथे खराब, कहां मैंने फल जैसे अमूल्य वस्तु को ग्रहण नहीं किया, कहां मेरे गोकर्ण जैसा पुत्र होता, तुम्हारे जैसे बच्चा पाके तो मेरा मर जाना अच्छा है। तो इतना पिटाई हुआ कि एक दिन वो भी जाके कुएं में कूद के मर गई। अब गोकर्ण बोले, भाई अब मेरे पारी है। लेकिन गोकर्ण को ना सुख भी हुआ ना दुख भी हुआ, पिता चले गए, माता का प्राण त्याग कर दिया, और धुंधुकारी का इस प्रकार का गति देखे गोकर्ण का सुख नहीं हो रहा है कि दुख नहीं हो रहा है। बता रहे हैं, सुखे सो अनुद्विग्न मना, दुखे सो विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोध तधीर मिनिर उच्यते। वो साक्षात मुनि है, उनमें सुख में ना ज्यादा हर्षित होते हैं और ना दुख में वो ज्यादा दुखी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब तो मैं भी भगवान के भजन करूं, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब इतने में धुंधुकारी को रास्ते से सारे लोग चले गए। अब धुंधुकारी घर में अकेला,
सबसे लड़ाई करता फिरता रहता था। घर में पांच पांच वेश्या को लेके आ गया। अब वेश्या को भरण पोषण करेगा कैसे करेगा, चोरी करने लगा गांव गांव में। अब चोरी करते करते एक दिन राजा के यहाँ डाका लगा दिया और राजा के यहाँ से बड़े सोना चांदी जेवरा सब लेके आ गया और बोल रहे देखो तुम लोगों के लिए क्या लाया। फिर वेश्या ने बोले क्या लाए हो, बड़े सोना चांदी। अब वेश्या तो धन के लोग ही होते, उसको जैसे तैसे करके सुला दिया। वेश्या में मीटिंग बैठा, एक वेश्या बोले देखो इसने इतना सोना चांदी ला तो रहा है ठीक बात, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो। तो एक वेश्या ने बोला अरे सखी सुन रहे हो, इसने कहाँ से लाया है, राजा के यहाँ से लाया है, राजा के यहाँ से लेके आएगा, अगर पकड़ा गया तो हम भी पकड़ा जाएंगे इसके साथ, ये तो जाएगा जाएगा हमें भी साथ में ही लेके जाएगा। तो एक वेश्या ने बोले हम भाग जाते। तो एक वेश्या ने बोला देखो हम भाग तो जाएंगे लेकिन ये हमें बता देगा ना, राजा अगर पकड़ने के लिए इसके पास आएंगे तो ये हमारा एड्रेस बता देगा, तो क्या किया जाए, इसको मार देते हैं। तो वहां पे उसी खाट में जिसमें ही सोया था उसके हाथ पैर को बांध करके उसको गला में रस्सी दे करके खींच करके उसको मारने की कोशिश की और देखा कि जैसे ही धुंधुकारी का प्राण नहीं जा रहा था, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, उसको मुख को फाड़ करके उसमें जलते हुए अंगार भर्ती कर दिया, इतने भयंकर रूप में उसको मार डाला और वहीं जमीन में गाड़ दिया। और वेश्या रातों रात ही सारी संपत्ति धन सोने चांदी लेके फरार भाग गए। अब इतने में वो क्या बना ना, भूत प्रेत जो नहीं बना। इस प्रकार का अगर कोई मरेगा, इस प्रकार गति में अगर कोई मरेगा तो उसका क्या स्थिति होगा, वैकुंठ से विमान थोड़ी ना आएगा। प्रेत जो नहीं बना, प्रेत जो नहीं बन के भटकते रहा। अब इस तरफ जैसे ही धुंधुकारी का मरने के बाद सुनकर उनके बड़े धर्मज्ञ जो उनके भाई गोकर्ण गया में जाके उनके नाम पे पिंड दान देते हैं, जहां जहां भी तीर्थ स्थान देखते हैं उनके वहां पे पिंड दान देते हैं, श्राद्ध दर्पण करते हैं। तो ऐसे करते करते उन्होंने गोकर्ण एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि का समय था और गांव में आके जो आंगन में सो गए। जैसे ही आंगन में सोते हैं रात में वो धुंधुकारी आया और धुंधुकारी पहले तो कभी हाथी के रूप में, पहले सूअर के रूप में, ऐसे भयानक भयानक आवाज करके भयंकर रूप में उनके सामने आ रहा है और मुंह जला हुआ है। अंतिम में एक स्वरूप को प्रकाशित किया जैसे मुंह जला हुआ है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ बोलना चाहता है। गोकर्ण बोले भाई तुम कौन हो, कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि मुंह में आग भर दिया था, मुंह जल गया है उसका, कोई कुछ बोल नहीं पा रहे। अब इतने में ये गोकर्ण ने क्या किया, ये मंत्रपूत कमंडल से जल लेके उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही ऊपर उसके ऊपर छिड़क दिया तो वो बोल रहा है अहम तव भ्रातस्य धुंधुकारी महामति, खुद बोल रहे हो कि हे भाई मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे ही भाई हूँ धुंधुकारी, मैं तुम्हारे ही भाई हूँ धुंधुकारी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गोकर्ण ने बोला अरे मैंने तो तुम्हारे नाम पे गया में श्राद्ध दिया था, तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे नाम पे बद्रिकाश्रम में भी श्राद्ध दिया, सारी जगह पे श्राद्ध किया, पिंडदान दिया, तुम्हारा मुक्ति न हुआ। गया श्राद्ध सतेनापि नैव मुक्ति च मुक्ति च, हे भाई आप तो एक बार श्राद्ध दे, मैं तो इतना पापी हूँ, 100 बार भी श्राद्ध दोगे तो मेरा मुक्ति नहीं होगा, इतना पाप कर्म किया हूं मैं, तो देखते हैं कैसे पाप कर्म तुम्हारा निवृत्ति होगा, उसके लिए मैं उपाय करता हूँ। तब वहां पे सबको पूछने लगते हैं किस प्रकार सत्कर्म किया जाए और उसी समय पे भगवान सूर्य नारायण उनको आदेश देते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम कथा का ये सप्ताह महाज्ञान यज्ञ करो। तब वहां पे धुंधुकारी के आत्म के सदगति के लिए वहां पे गोकर्ण महाराज जी बड़े सुंदर दिव्य मंच पे बैठ करके सारे ग्रामों के ब्राह्मणों भक्तों को निमंत्रण करके वहां पे बिठा करके श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया और वहां पे विधि पूर्वक एक बांस लगा दिया, एक बांस में जिसमें 7 गांठ था। तो धुंधुकारी वहां आके उसी बांस के आश्रय में रह गया और जैसे ही श्रीमद् भागवतम का कथा शुरू करते हैं बोले श्रीमद् भागवतम कथा यज्ञ की जय। तो जय ध्वनि देते हुए कथा शुरू करते हैं और कथा शुरू करते करते एक दिन चला गया और एक बांस का एक जो गांठ होता है वो टूट गया, फट गया हो। दूसरे दिन में दूसरे, तीसरे दिन में तीसरे, इस प्रकार 7 दिन जैसे ही निकल गया 7 गांठ फट गए और दिव्य सुंदर स्वरूप लेके चतुर्भुज रूप धारण करके वहां पे बड़े सुंदर स्वरूप लेके धुंधुकारी प्रकट हो गया, जैसे देवता के स्वरूप लेके प्रकट हो गया।
और बड़े सुंदर दिव्य विमान आया उसके लिए, और बड़े दिव्य विमान में उसको विष्णुदूत उसको बिठा के ले जा रहे हैं कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अहो धन्य भागवत, ये प्रेतों का भी पीड़ा को विनाश करते हैं, बाकियों का तो बात ही छोड़ो कि धन्य इनका महिमा धन्य है। तो उनको जैसे ही बिठा रहे थे तो वहां पे गोकर्ण प्रश्न पूछते हैं, भाई कथा तो सब लोग सुने हैं, कथा यहाँ पे सब लोग सुने हैं, अकेले धुंधुबारी थोड़ी ना सुना, गाँव के सबको सुना आया, लेकिन सबके लिए विमान आना चाहिए था, धुंधुकारी के लिए कैसे आया, धुंधुकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए विमान आना चाहिए था। तो वो वहां पे बता रहे हैं कि देखो, विष्णुदूत बोल रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, बता रहे हैं कि देखो आप सबने सुना है लेकिन आप में भी थोड़ा त्रुटि है, ये धुंधुकारी को कथा को कथा के रूप में सुना, कथा को कथा के रूप में सुनना क्या होता है, तो बता रहे हैं विश्वासे गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मन दोष जयश्चैवं कथाया निश्चलां मति। चार चीज बता रहे हैं, विश्वासे गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास नहीं होगा तो कभी भी ये भागवत कथा हमें कभी भी हमें कितने करोड़ जन्म तक भी सुन ले तो हमें कभी भी उद्धार नहीं कर सकते। एक छोटा उदाहरण, ये हिमाचल गांव है, यहाँ से हम अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कोई एक ड्राइवर टैक्सी वाला को बुलाएंगे तो उसको पूछेंगे, कोई अगर विश्वास करके गाड़ी में बैठ गया तो सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, किसी का अगर विश्वास नहीं है, किसी का अगर विश्वास नहीं है तो बोलेगा भाई तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ठीक ठीक से, हाँ तुम्हें देखो कितना चढ़ा हुए उठा हुए तुम्हें पता है, बोले हाँ, रास्ते में जाते जाते कितना पेड़ है, गाड़ी वाला बोलेगा बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो भागो मैं अन्य ग्राहक देखता हूँ। बिना विश्वास के हम यहाँ से चंडीगढ़ भी नहीं जा सकते, तो बिना विश्वास से यहाँ से वैकुंठ कैसे जाएंगे, बिना विश्वास के कैसे जाएंगे, इसलिए बोले विश्वास है गुरु वाक्य, गुरु के वाक्य में पूर्ण रूप में हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास लेके अगर कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप में विमान आएगा। आप बता रहे हैं कि स्वस्मिन दीनत्व भावना, बड़े दीनहीन पूर्वक मन में सारे अहंकार को दूर रखते हुए, कपटता को दूर रखते हुए कथा को सुनना चाहिए। मनोदोषो जयश्च, मन के सारे दोष को त्रुटियों को यहाँ पे बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए, और कथायम निश्चलामति, केवल कथा में ही अगर किसी का मन लग जाए तो निश्चित रूप में यह विमान आएगा। तब पुनः फिर से कार्तिक के महीने में फिर गोकर्ण ने कथा श्रवण किया और कथा सुनाया, और कथा सारे को सुनाया, सबको निमंत्रण करके पुनः भागवत का कथा का महा आयोजन किया, और जैसे ही कथा खत्म होता है इस बार साक्षात गोलोक बिहारी भगवान, साक्षात एक नहीं अनंत करोड़ जितने भी विमान है सबको एक एक वक्ता के लिए, एक एक वक्ता के लिए एक एक विमान लेके स्वयं भगवान यहाँ पे उतर के आ रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, और भगवान ने सबको जितने वक्ता थे सबको विमान में बिठा लिया, और धुंधुकारी, धुंधुकारी के लिए विमान नहीं आया, कौन ना गोकर्ण, गोकर्ण के लिए विमान नहीं आया, गोकर्ण को तो भगवान आलिंगन कर ले और अपने गोद में बिठाते हुए, अहो गोकर्ण तव, किस प्रकार हे गोकर्ण का महिमा गान करते हैं कि तुम्हारे जैसे वक्ता, तुम्हारे जैसे महाभागवत, तुम्हारे जैसे भक्त खुद तो अपने उद्धार करते ही हो, सारे जगत को उद्धार करते हो, इसलिए अहो तुम धन्य हो, इस प्रकार भगवान उसको अपने गोद में बिठा करके नित्य धाम ले जाते हैं। इसीलिए धन्य भागवती वार्ता भूत प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य महाभागवत श्रीमद भागवतम है जिसको श्रवण मात्र से भूत प्रेत का जो पीड़ा है उसको भी नष्ट हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान श्री लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गोकर्ण महाराज की। और दो मिनट दे दो, अभी आरती, आरती है, आरती की तैयारी करो, हरे कृष्णा, आरती की तैयारी करो। हाँ देखो, कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, इसलिए कल जो श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, कल आपसे पूछूंगा कौन बोल पाता देखूंगा, कल श्रोता दो तरह के, एक उत्तम श्रोता है और एक कनिष्ठ श्रोता। जो अच्छे श्रोता, जो उत्तम श्रोता, वो चार तरह के, कितने तरह के,
क्या किया है? बोले पहला नंबर हंस। हंस मतलब होता है जैसे अब हंस को दूध दो ना, देखना वो हंस दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। इसलिए हमें कैसे सुननी चाहिए? हंस जैसे सुना। जीवन में अच्छे चीज को उतारो और बुरे चीज को छोड़ दो। दूसरा चीज ये चातक, कहती है कि चिड़िया ये कभी किसी नदी का पानी नहीं तो तालाब का पानी नहीं पिएगा। वो कौन सा पानी पिएगा? स्वाधीन नक्षत्र, जो बरसात होना तभी वो पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। इसका मतलब है हम कथा सुने तो किसकी कथा सुने? ठाकुर कथा सुने। ऐसे नहीं दुनियादारी बैठी करके उसकी बहू ऐसे कर दी, बेटी ऐसे कर दी, सास बहू में लड़ाई हो रही है, नहीं। ये सब चुगली भुगली छोड़ करके, दुनियादारी की बात छोड़ करके किसकी कथा सुने? ठाकुर जी की कथा सुने। तीसरा नंबर मछली। मछली देखे हो? देखना जो मछली है उसका आंखों का जो पत्ता है ना, पलक नहीं झपती है, वो एकदम आंख खोल कर रखती है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? एक टक टक लगा करके, जिससे कथा की एक शब्द भी हमारी चूक नहीं जाए। हैं ये मछली। बोले तीसरा नंबर, बोले मधुमक्खी। कहते एक मक्खी है और एक मधुमक्खी। आप बताओ मक्खी कहाँ बैठती है? बोलो मक्खी कहाँ बैठेगा? गंदगी में। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठेगा? फूलों में। वो कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, आप देखना वहां भी बैठी करके वो क्या करेगा? शहद को लेकर के एक सुंदर छता बना देगा जो ठाकुर को सेवा में लगता है। इसलिए हमें गंदी चीज में नहीं बैठ करके, हमें अच्छी चीज में बैठे हैं, अच्छे चीज को ग्रहण करो। इसलिए बोले स्वता श्रोता और एक सरोता। कहते स्वता मतलब वो देख देख करके बैठे, कहां बैठने पर बढ़िया सोना होगा, नींद आएगी, इसको कहते स्वता। बोले इसके श्रोता मतलब जो सही सही भागवत की असली चीज को जो आहरण करे। बोले कहते सरोता मतलब, बोले ये सरोता कौन होता है? जैसे आप देखना सुपारी काटते हैं ना, ऐसे ही जिसकी कथा पथा से कोई मतलब नहीं, जो केवल दोष ही दोष देखने के लिए आते हैं, है? और यहाँ तो तोता कहीं लगाए नहीं, यहाँ तो केले का पेड़ नहीं लगाया, अरे यहाँ तो ये पूजा नहीं किया, जिसकी कथा पथा से कोई मतलब नहीं, जिसका मतलब केवल दोष दोष देखने में जिसकी मतलब है, इसको कहते सरोता। इसलिए कहते जो श्रेष्ठ श्रोता तो चार तरह का हो गए, बोले जो साधारण श्रोता, जो घटिया श्रोता, चार तरह का। पहला नंबर है कहते भुरुंड, ये एक हिमालय पर, अच्छे तरह से सुने, बहुत अच्छी कथा है। ये भुरुंड एक हिमालय पर्वत में रहता है चिड़िया। ये चिड़िया की एक विशेषत्व है, आप जैसे सुनाओगे ना ठीक ऐसे पूरा आपको वैसे ही सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर उतारेगा नहीं, सुनेगा सुनाएगा लेकिन करेगा पूरा के पूरा उल्टा, इसको कहते हैं ये भोरंडो। दूसरा नंबर है ऊंट। अब ऊंट देखेगी नहीं, अब ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया पता तो नहीं खाएगा, वो देखा बबलू का पेड़ कहाँ पर, कांटा के वृक्ष, जो भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुन करके केवल कांटा कांटा, मतलब क्या है? जहां पर बैठकर किसकी चुगली हो, निंदा ही हो, बुराई हो, वहीं पर बैठ जाएगा, बैठ करके सारा दुनिया की इधर उधर की बात करेगा, लेकिन जो भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा में उसकी रुचि नहीं। तीसरा नंबर बैल। बैल को आप घास भूसा दे दो, नहीं तो कोई बढ़िया बढ़िया चीकू केला दो, वो दोनों को बराबर मानता है, मतलब कृष्ण कथा और दुनियादारी कथा को जो बराबर मानता है। और जो चौथा नंबर है भेड़िया, ये छोटा जाति का बाघ होता है। ये हिरण के ऊपर में कब आक्रमण करता है? हिरण जब सुंदर कोई शब्द सुने एकदम कान खड़ा हो जाता है, ठीक उसी समय वो आक्रमण करेगा। मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति बैठ करके एक मन से ठाकुर को कथा सुनता है, लेकिन ऐसे कुछ श्रोता जो सुनेंगे नहीं और जो पास में बैठने वाले को भी सुनने नहीं देंगे, बिना कारण के कारण से जो दुनियादारी की बात भी कथा में बैठ कर करे, उसको कहते हैं ये भेड़िया। ये चार तरह का घटिया श्रोता। बोले कथा चार तरह के, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। कहते राजसिक कथा किसको कहते हैं? कहते कथा को तो आयोजन किए, सबको निमंत्रण दिया, कथा हो रही सुनने के लिए आओ, लेकिन खुद कथा नहीं सुनता है, केवल व्यवस्था व्यवस्था में ही जो केवल उसी में समय को लगा देता है, नहीं कथा को ठीक से एक मन से कथा को सुननी चाहिए।
बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन की कथा हुई, कभी इच्छा हो तो बैठे गए, कभी मन नहीं लगा था चक्कर लगा करके आ गए, हैं कभी बीच में आए, नहीं तो कथा को लास्ट में आए, नहीं कथा नियम है कैसे कथा सुननी चाहिए, निर्गुण ये कथा सही। बोले निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा से व्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रिण चिते कृष्णम समाश्रय। सही कथा वही है जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दे, मतलब क्या नियम करके कथाओं को जो रोज सुने, घर में गीता का एक श्लोक हो, भागवत का एक अध्याय हो, नहीं तो रामायण कोई जो भक्ति ग्रंथों को जो घर में नियम करके घर को जो पढ़े। इसलिए कहते भागवत का जो एक श्लोक अगर किसी घर में पढ़ाई हो, एक श्लोक नहीं आधी श्लोक नहीं एक चौथाई श्लोक अगर किसी घर में पढ़ाई हो, कहते तो उसी घर में साक्षात श्री बांके बिहारी राधा रानी को साथ में रहते हैं। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते अपना जीवन को ही भगवान की कथा बना दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राम। आप लोग से प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताओ कथा कितने से कितने तक होने पर सब सुन सकते हो, क्योंकि देखो जो पद्म पुराण में बताई जो भागवत कथा है ना, इसको बताया ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब है अगर कथा को कोई सही सही नियम से सुने ना, आप जो मांगोगे आप वही मिलेगा। कि जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसको धन देता है, जिसके संतान नहीं घर में संतान होगा है, जिसको दरिद्र उसको धनवान बनाता है। इसलिए ऐसे कोई चीज नहीं जो ये भागवत नहीं दे सकता है। अगर ये कथा कोई नियम से सुने, एकदम मन लगाकर कथा कोई सुने, सात दिन के अंदर में आप जो मांगोगे भागवत आपको सो दे देगा। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे समय पर कथा जो सही सही बैठ कर कथा को सुने, कथा को बीच में जैसे कोई उठ करके नहीं जाए। अब जितने तक सुनाओगे, जितने से जितने समय तक, हम तो सुनाने के लिए आए, इसलिए आप जितने से जितने समय तक आप बोलोगे हम उतने से उतना समय तक आप सुना देंगे, ठीक है। आप लोगों को बताओ कितने से कितने तक होने पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो पहले माता ही बोलो, क्योंकि घर का रोटी पानी आप ही बनाने वाले हो, बोलो सोच करके बोलो। हाँ आप लोग जितने से जितने तक बोलोगे ना, जैसे आपका घर का काम भी हो जाए, कथा भी सुन लो। हाँ कितना बोलो, कितना एक से चार ही आपको सबको, भाई लोग क्या बोल रहे हो, भाई लोग ठीक है, ठीक है हम ठीक से एक से हम चार तक कथा कर लेंगे, ठीक है। आज तो थोड़ी इधर उधर हो गया, कल हम कोशिश करेंगे टाइम से कथा को हम विश्राम दे देंगे, ठीक है, ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे। इसलिए देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जैसे कहीं अगर बढ़िया कोई चीज मिलता है ना, गोल गोपे नहीं तो पराठा नहीं तो बढ़िया खाना मिलता है, जो खाता है ना वो दूसरों को बोलता है, देखो अमुक जगह पर बढ़िया गोल गोपे मिलते हैं, पराठा मिलते, चलो हम खाने के लिए जाए। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे, जैसे आप लोग कथा में आए हो, जो व्यक्ति कथा में आएगा और दूसरों को लेकर के आएगा, जिसको लेकर के आएगा उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वाले को आधा पुण्य मिल जाएगी। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे एक एक भक्त दस दस को लेकर आना, कितने लोगों को लेकर के आओगे, अरे बोलो हंस रहे हैं क्यों, हाँ क्योंकि जितने को लाओगे ना, अगर किसको गंदे काम पर लगाओगे पाप लगेगा, अगर किसको अच्छे काम पर लगाओगे पुण्य भी तो मिलेगा। इसलिए गुरु जी कहते थे अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला करके लेकर आना, चलो भागवत कथा हो रही है, वृंदावन से भक्त लोग आए, चलो हम सब सब कथा सुनने जाते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मन बसी गयो, मन बसी गयो, जय हो रे, मन बसी गयो नंदी किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में।
शास्त्र कहता है जैसे भगवान का कीर्तन हो रही ना, जो व्यक्ति भगवान की कीर्तन में नाचता है, जो भगवान की कीर्तन में जो नृत्य करता है, कहते उसको संसार का दुख रूपी नाचना नाचना नहीं पड़ता है, है उसको। पर ये 84 लाख जो में नाचना उसकी खत्म हो जाती है, जो भगवान के कीर्तन में जो नाच लेते हैं। इसलिए एक बार आप लोग सब खड़े हो जाओ, सबके सब माताएं भाई लोग सब खड़े हो जाओ और भगवान का कीर्तन में नाचो, नाचोगे तो संसार रूपी दुख रूपी नाचना नहीं पड़ेगा।